हाय, आज की वीडियो में मैं 101 एनिमेज एंड मांगास जो मैंने आज तक रीड किए एंड देखे उनके बारे में बात करने वाला हूँ। अब ये वीडियो मुझे पिछले एक आध साल से बनाना था एंड अब क्योंकि मेरे एग्जाम्स ख़त्म हो गए हैं कॉलेज के, तो आई थॉट कि चलो बनाया जाए। आई वंडर कितने घंटे का वीडियो बनेगा, क्योंकि अगर मैं हर एक एनिमे एंड मांगा पे एक एक मिनट भी बात करूँ तो ये 1.5 घंटे तक खिंच जाएगा वीडियो। ऑल दो आई ट्राई कि मैं इसको जितना कम हो सके उतना रखूँ, बट फिर भी अगर इतना बड़ा वीडियो बनता है तो आई विल रिकमेंड यू कि मत देखना। यू नो व्हाट, मैं एक चीज़ कर दूंगा कि मैं ना जितने भी एनिमेज एंड मांगास के बारे में बात करने वाला हूँ उन सबको ना प्रॉपर टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो अगर तुम्हें सिर्फ ये जानना है कि मैं कौन से एनिमेज एंड मांगास देखा हूँ एंड रीड किया हूँ, यार ये बार बार मेरे को बोलना पड़ रहा है यार, मैं एनिमे मांगास बोलने वाला हूँ, ठीक है, तुम समझ जाना। एनिमे मांगास मतलब एनिमे प्लस मांगा, ठीक है। तो या मैं जितने भी एनिमे मांगास देखा हूँ आज तक उन सबका लिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर तुम्हें वीडियो नहीं देखना है, तुम्हें सिर्फ ये जानना है कि मैंने कितने एनिमेज एंड मांगास देखे हैं, कितने एनिमे मांगास देखे हैं, तो जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड लीव द वीडियो, ठीक है। एंड मैं बोलूँगा कि मत देखो इतना बड़ा वीडियो, क्यों देखना यार, डिस्क्रिप्शन देखो। अगर तुम्हें कोई ऐसा एनिमे या मांगा दिखता है जिसको देख के तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ चलो इस पे इस दल्ले की राय जानते हैं, तो या तुम उस टाइम स्टैम्प के हिसाब से उस पर्टिकुलर एनिमे या मांगा एनिमे मांगा के बारे में मैं क्या सोचता हूँ वो जान सकते हो, ठीक है। एंड हाँ, जो भी मैं बोलने वाला हूँ वो मेरा ओपिनियन होगा, मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा एंड मेरा ओपिनियन एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। अगर तुम उससे डिसअग्री करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम उससे अग्री करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मत समझना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, इट्स जस्ट माई ओपिनियन, यू डोंट हैव टू अग्री और डिसअग्री विद इट। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो, दिस जायंट एस वीडियो, पॉसिबली दी लॉन्गेस्ट वीडियो ऑफ माई यूट्यूब चैनल। या लेट्स बिगिन। स्टाइन्स गेट, यार ये एनिमे आई रियली लव्ड इट, वन ऑफ द बेस्ट एनिमेज आई हैव एवर वॉच्ड। स्टाइन्स गेट अगर तुमने नहीं देखा है देन आई रियली रिकमेंड यू टू वॉच इट, बहुत प्यारा एनिमे है, साईफाई जॉनर है एंड इट वॉज फन, अ लॉट ऑफ फन। 12 एपिसोड तक ये स्लो थी बट उसके बाद तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा एनिमे है, ज़रूर देखना अगर तुमने नहीं देखा होगा तो। 7 डेडली सिंस, एक मिड एनिमे। या देखो, मैंने 7 डेडली सिंस के 3 सीज़न देखे, उसके बाद मैंने पूरा मांगा भी ख़त्म किया था उसे एंड इट वॉज जस्ट मैं, मतलब कुछ खास नहीं था, इट वॉज नॉट समथिंग न्यू। एक बान अच्छा कैरेक्टर लगा था मुझे, एस्केनोर बढ़िया था, मेलियोडस ठीक था, काम चला हुआ है, नहीं भी देखोगे तो चलेगा। एंड कंसिडरिंग कि इसमें काफ़ी चैप्टर्स हैं एंड काफ़ी एपिसोड्स है, आइट से कि इट्स नॉट दैट वर्थ इट, बट तुम चेकआउट कर सकते हो अगर तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगा, एक आध सीज़न दो सीज़न अच्छा लगा तो तुम बाकी का भी देख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। सुरे सुरे चिल्ड्रन, या मैंने इसे भी देखा। इसका जो एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था वो ये था कि इसके 10-10 एपिसोड 10-10 मिनट के एपिसोड्स हैं एंड कितने एपिसोड्स हैं मेरे को याद नहीं ऑनेस्टली, बट या छोटे छोटे एपिसोड्स हैं। एंड कौन से जॉनर का था ये, आई थिंक ये स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप का था, ठीक था, काम चलो, मेरे को याद नहीं है तो आइट से टाइम पास करना है तो यू कैन वॉच इट। क्विंसेंशियल क्विंटिप्लेट्स, एक और स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे, हारेम था ये। कैन यू कॉल दैट हारेम, आई वंडर, क्योंकि शिपिंग नहीं थी, अजीब सी हारेम थी ये, ऊपर ऊपर से वाला हारेम था ये। मैंने एक सीजन देखा इसका, उसके बाद मैंने मांगा रीड कर लिया था, मुझे ठीक ठाक लगा था एंडिंग, काम चलाऊ, एकदम ख़राब भी नहीं बट एकदम अच्छा भी नहीं। मैंने इसे उस टाइम पे देखा था जब मैं स्लाइस ऑफ लाइफ एक्सप्लोर कर रहा था, अगर मैं उस टाइम इसको नहीं देखता तो शायद मैं कभी भी नहीं देखता इसे। यू कैन इग्नोर इट, तुम्हारी मर्जी, देख लेना एक बार, ट्राई कर लेना, अगर अच्छा लगा तो या यू कैन गो फॉर इट। फ्यूचर डायरी, एक बहुत प्यारा एनिमे, मुझे बहुत पसंद है यार फ्यूचर डायरी। फ्यूचर डायरी मिराई निक्की, बहुत मस्त, मेरे को अच्छा लगा था ये। मुझे यांद्रे का मतलब पता नहीं था इससे पहले, इस एनिमे को देखने से पहले, एंड मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यांद्रे कैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है वो यांद्रे है एंड उसके पागलपन को देख के मुझे मज़ा आ गया था भाई। भाई वो क्या क्या हरकतें करती है यार, एंड जो लास्ट का प्लॉट ट्विस्ट था, आई लव्ड इट। कितने एपिसोड्स हैं मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, 20+ एपिसोड्स है, 24 आई थिंक, लेकिन उसके बाद ना एक दो ओवास भी है जो कि कैनन है, तो ओवास को देखना तुम्हारा ज़रूरी है,
तो या यू शुड वॉच इट, अगर तुमने नहीं देखा है तो देख लेना। इररेगुलर मैजिक ऑफ हाई स्कूल, मैंने इसको देखा था क्योंकि मैंने नेट में देखा था कि इसका मेन कैरेक्टर बहुत होशियार है, जस्ट लाइक कियोताका आयानोकोजी। तो मैंने देखा एंड ठीक था, नॉट बैड, नॉट दैट ग्रेट इधर। लाइट नॉवल मैंने रीड किया था आधा आई थिंक इसका, और बोर कर दिया था मेरे को तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया था। बट एनिमे इट वॉज फाइन आई थिंक। एक ही सीजन देखा है मैंने, सेकेंड सीजन नहीं देखा है। सेकेंड सीजन का स्टोरी मेरे को लेकिन पता है, एंड स्टोरी ठीक थी बट बोरिंग हो गया था मेरे लिए, तो मैंने ड्रॉप कर दिया था लाइट नॉवल। यू कैन ट्राई इट, आई थिंक यू विल लाइक इट। काराकाई जोजुनो ताकागी सान, मेरा आई थिंक ये फर्स्ट स्लाइस ऑफ लाइफ रोम कॉम टाइप वाला एनिमे था एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था। तीन सीजन आ चुके हैं इसके, मैंने दो ही देखे हैं क्योंकि थर्ड मेरे को पता ही नहीं था कब आ गया एंड मुझे मौका ही नहीं मिला। बट जो दो देखे थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा, लाइक एकदम क्रिंजी टाइप का रोमांस नहीं दिखाया, रोम कॉम है, फनी है ये। और दो मतलब कितने 12-13 साल के बच्चे हैं आई थिंक जिनके ऊपर ये पूरा एनिमे बना है, एंड दे सीम फन, ठीक है, उनको देख के मजा आएगा। द केमिस्ट्री ऑफ निशिकाता एंड ताकाकी बहुत अच्छा लगता है देख के, यू शुड ट्राई इट, अच्छा एनिमे ये। तोमुदाची गेम, इसको मैंने आई थिंक पिछले साल या इसी साल देखा था स्टार्टिंग में, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड किया था एंड दिस एनिमे वॉज फन। या दिस एनिमे वॉज फन। इस एनिमे को भी मैंने इसलिए देखा था क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो आयानोकोजी जैसा ही स्मार्ट है, एंड वो एक्चुअल में स्मार्ट है, एंड वो एक्चुअल में तुम्हें पसंद आएगा, दैट्स द थिंग। साइकोलॉजिकल थ्रिलर है आई थिंक इसका जॉनरा, शोनन ही है ये भी। 12 एपिसोड है, एक सीजन आया अभी तक इसका। मांगा मैंने नहीं रीड किया है, मेरे दोस्त ने बोला था काफ़ी अच्छा है, तो या एनिमे देख लेना, ईजी टू वॉच है, फटफट खत्म कर दोगे, वन सिट में ही शायद खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारी मर्जी, मांगा रीड करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी, मैंने नहीं देखा है तो आई डोंट नो अबाउट इट। नेक्स्ट एनिमे मांगा इज हाइक्यू। ओके, हाइक्यू मेरा वन ऑफ दी फेवरेट स्पोर्ट्स फिक्शन है, आई रियली लव्ड इट व्हेन आई वॉच्ड इट, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। चार सीजन देखे थे मैंने इसके, और उसके बाद उस टाइम पे इतना ही आया था, उसके बाद मैंने मांगा रीड कर लिया था। मांगा में 400 कुछ चैप्टर्स हैं, मुझे बहुत मज़ा आया था। मैंने ये चीज़ बार बार बोला, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जब भी कोई स्पोर्ट्स फिक्शन तुम्हें उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट जगा देती है, तब आई थिंक वो स्पोर्ट्स फिक्शन अपना काम कर देती है एक तरीके से, एंड वो चीज़ हाइक्यू के साथ होता है। मैंने बचपन से कभी भी वॉलीबॉल नहीं खेला था, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था, एंड आफ्टर वॉचिंग हाइक्यू आई लर्न मेनी रूल्स ऑफ वॉलीबॉल, एंड मुझे वॉलीबॉल स्पोर्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल गई थी, मुझे इंटरेस्ट आ गया था। मैं भाई, मुझे याद है 2 साल पहले मैंने देखा था, एंड मैं यूट्यूब में एक टाइम था भाई, इतने वॉलीबॉल के वीडियोस देखता था मैं, सब हाइक्यू की वजह से। बहुत अच्छा एनिमे, एनिमे तो भाई बहुत बढ़िया है। एंडिंग मांगा का थोड़ा सा ऐसा बोलूँगा कि हैप्पी एंडिंग के चक्कर में गया, मेरे को ऐसा थोड़ा फील हुआ, लेकिन मज़ेदार था। ओवरऑल जो डिलीवर करती है ये मांगा एनिमे, बहुत अच्छी चीज़ है वो, ठीक है, ज़रूर से देख लेना अगर तुमने नहीं देखा होगा, विच आई डाउट, आई हाईली डाउट, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर है ये, तो यार तुमने तो देख ही रखा होगा, आई थिंक सो, नहीं देखा है तो देख लेना। डीमन स्लेयर भाई, क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल डीमन स्लेयर का। डीमन स्लेयर मैंने एक सीज़न देखा है इसका, मांगा रीड किया है। स्टोरी इट्स मिड, ठीक है, एक्चुअली मिड नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू डिसरिस्पेक्ट डीमन स्लेयर फॉर नो फकिंग रीजन। स्टोरी इज ओके, मतलब काम चला हुआ है, कोई बहुत स्पेशल नहीं है इसका स्टोरी। स्पेशल जो है वो है इसका एनिमेशन, शोनन है, न्यूबीज़ को काफ़ी अच्छा लगता है ये, आई थिंक न्यूबीज़ के लिए वन ऑफ द परफेक्ट एनिमेज है ये, एंड दे आर द टाइप ऑफ ऑडियंस विच दिस एनिमे टारगेट्स, क्योंकि ये एनिमे का देखने के बाद ना तुम्हें एनिमे में इंटरेस्ट आ जाएगा। ऑल्दो अगर तुम काफ़ी एनिमे देखे हो तो शायद तुम ये तुम्हें कुछ खास नहीं लगेगा, तुम ओवररेटेड बोल सकते हो, बट आई थिंक एक न्यूबी के लिए काफ़ी अच्छा एनिमे है ये, इट्स फन, ठीक है। फर्स्ट सीजन मुझे ठीक लगा था, मज़ा आया था, मैं सच बोलूँ तो। मूवी मैंने देखा, उसके बाद मेरा मन नहीं किया देखने का, मांगा रीड किया था। इफ़ यू आर अ न्यूबी यू शुड वॉच डीमन स्लेयर, इफ़ यू आर अ वेटरन तुमने तो देख ही रखा होगा। द नेक्स्ट एनिमे इज माई हीरो अकेडेमिया, अकेडेमिया बुक्कू नो हीरो अकेडेमिया। कितने साल हो गए यार इसको देखे, 5 सीजन्स आ गए थे जब मैंने देखा था, 5वें को मैंने ड्रॉप कर दिया था। क्यों ड्रॉप किया था मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा मन करना बंद हो गया था इसे देखने का, सिंपल। माई हीरो अकेडेमिया में मेरे को ऐसा फील होता है कि इट्स नॉट अ बैड शो बट इट्स नॉट दैट ग्रेट इधर, राइट? और क्योंकि इसके एपिसोड्स है, ठीक है,
80-90 थे उस टाइम पे, तो वो एक चीज़ आ जाती है पता है दिमाग में कि क्या इतना भी एपिसोड्स देखना वर्थ इट है। बहुत लोग को आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोग को ये अच्छा लगेगा, इसलिए मैं बोलूँगा कि पहले के दो सीजन्स देख लो, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू करो, नहीं लग रहा है तो यू कैन ड्रॉप इट। मांगा मैंने सुना काफ़ी अच्छा है, मैंने नहीं रीड किया है। अगर तुम्हें लगता है कि इसका मांगा अच्छा है, अगर तुम्हें ये पता चलता है लोग बोलते हैं कि इसका मांगा अच्छा है, तो या यू शुड गिव इट अ ट्राई, इट्स फन बट नॉट दैट फन। चेंजो मैन भाई, 3 एनिमेस न्यू जनरेशन के, नाइस। चेंजो मैन इज़ अ फन एनिमे। एक्चुअली मैंने एनिमेस का नहीं देखा है, मैंने अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखा इसके एनिमे का। मैंने मांगा रीड किया है, उसका पूरा फर्स्ट पार्ट रीड किया है, एंड मेरे एक्सपेक्टेशंस इससे काफ़ी कम थे क्योंकि मैंने जब इसको रीड किया था आई वॉज ऑलरेडी स्पॉइल्ड अ बिट। एक्चुअली बहुत बड़ा स्पॉयलर मेरे को मिल गया था, बट स्टिल मेरे को इसको रीड करते टाइम काफ़ी मज़ा आया। मेरे एक्सपेक्टेशंस कम थे क्योंकि लोग इसको ओवररेटेड बोलते थे, एंड आई थिंक दैट वर्कड फॉर मी। इसमें ना एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है जिसकी कैरेक्टर राइटिंग देख के मुझे बहुत मज़ा आया। जिन्होंने रीड कर रखा है चेंजो मैन, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एनिमे मैंने नहीं देखा जैसे मैंने बोला, लेकिन 12 एपिसोड है उसमें मुझे इतना पता है, और उसका एनिमेशन बहुत अच्छा है मैंने सुना है। गोरी है इसका मांगा और एनिमे दोनों, तो या अगर तुम्हें गोर देखना है, एक फास्ट पेस्ड एनिमे या मांगा रीड करना है या देखना है, शुड गो फॉर इट, इट इज़ फन। चेंजो मैन इज़ फन इन माई ओपिनियन, आई लाइक इट। नेक्स्ट इज निसेकोई। एक सीजन देखा है मैंने इसका, मांगा मेरे को रीड करने का मन नहीं किया था तो मैंने नहीं रीड किया था। एनिमे मैं बोलूँगा 12 एपिसोड्स है। एनिमे वॉज नॉट बैड बट नॉट दैट ग्रेट इधर। मुझे इंटरेस्ट नहीं आया एनिमे देखने के बाद मांगा रीड करने में, तो मैंने नहीं रीड किया था। ऑल्दो इसका एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो है मेन कैरेक्टर भाई। वो बंदा एक्चुअल में शरीफ है, जेंटलमैन जैसा है, क्योंकि जो नेक्स्ट एनिमे है ना, नेक्स्ट एनिमे और मांगा, उसका मेन कैरेक्टर इतना दलिद्दर आदमी है, इतना दलिद्दर कैरेक्टर है। आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक कानोजो। इतना शिटी एस मेन कैरेक्टर भाई, चांटे मारने का मन करेगा इस बंदे को भाई। ये बंदा फ्रस्ट्रेशन भाई, फ्रस्ट्रेशन लेजिट, दल्ला आदमी। डोमेस्टिक कानोजो का स्टोरी भी स्टार्टिंग में मेरे को फन लग रहा था, इंटरेस्टिंग लग रहा था फॉर सम रीज़न। उस टाइम नया नया था तो इसलिए अच्छा लग गया था। बाद में इट वॉज सो फकिंग ट्रैश। डोमेस्टिक कानोजो बहुत ट्रैश है। मैंने पूरा मांगा रीड किया और मैं फिर बता रहा हूँ, इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स एस, लिटरली इट्स एस, मत देखना। असैसिनेशन क्लासरूम, हाँ यार, कोरो सेंसे, बहुत प्यारा एनिमे, नहीं देखा है ज़रूर देखना। जो प्लॉट था मुझे काफ़ी यूनिक लगा था, उसके जैसा प्लॉट मैंने कभी पहले देखा नहीं था, तो इट वॉज़ फन। कोरो सेंसे एज अ कैरेक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और बाकी जो कैरेक्टर्स थे, ऑल्दो मेरे को नाम याद नहीं है उन कैरेक्टर्स के, बट दे वर फन। आई थिंक मैं अगर ये एनिमे जापानीज़ में देखता रादर देन इंग्लिश डब तो मुझे काफ़ी ज़्यादा और मज़ा आता, इसलिए आई वुड से कि हाँ, मैं जितने भी तुम्हें नाम बता रहा हूँ एनिमेज़ के, आई वुड से कि तुम उसे जापानीज़ में देखना, ओरिजिनल में ज़्यादा मज़ा आएगा ऑब्वियसली। असैसिनेशन क्लासरूम अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना, 2 सीज़न है, 24 एपिसोड्स आई थिंक, 48 एपिसोड टोटल में। एनिमे फिनिश्ड है, स्टोरी फिनिश्ड है, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज आई एवर वॉच्ड। टोक्यो रिवेंजर्स, मैंने एक रिव्यू बनाया था टोक्यो रिवेंजर्स पे, अभी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टोक्यो रिवेंजर्स मैंने सिर्फ एनिमे देखा है, मांगा मेरे दोस्त ने रीड किया था एंड ही टोल्ड मी कि इसका मांगा बहुत सुअर है। आर्ट स्टाइल्स मैंने देखे हैं, मैंने मांगा की आर्ट स्टाइल देखी थी एंड इट वॉज एक्चुअली बैड, लेजिट इट वॉज बैड। ऑल्दो आई थिंक आई डोंट हैव एनी राइट टू टॉक अबाउट दी आर्ट स्टाइल क्वालिटी ऑफ एनी मांगा, क्योंकि मैं खुद बहुत भी अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, बट स्टिल आई कैन एटलीस्ट टेल कि कौन सा अच्छा है एंड कौन सा बेकार है। एंड टोक्यो रिवेंजर्स अच्छे में तो नहीं आता। स्टोरी फर्स्ट सीजन में ठीक थी, आई वुड से मेरे एक्सपेक्टेशंस कम थे तो मेरे को मज़ा आ गया था। 24 एपिसोड्स थे आई थिंक, मेरे को मज़ा भी नहीं बोलूँगा बट बेकार नहीं लगा था, इतना ख़राब नहीं लगा था, एक एज अ रिफ्रेशमेंट मेरे को ठीक लगा था। मेन कैरेक्टर बहुत सुअर था, माइकी ठीक था, मज़ेदार था वो माइकी को देखने में, और ड्रेकी ड्रेकून कुछ था एक टोक दल्ला जिसके यहाँ पे चेन दिया था, छपरी था वो भी छपरी था, इधर कुछ ड्रैगन ड्रूगन का टैटू था वो वाला एक ठीक था, बाकी ठीक है भाई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एने मांगा, एलिस इन बॉर्डरलैंड। यार ये कितना अच्छा मांगा था, आई लव्ड इट। एलिस इन बॉर्डरलैंड 86 चैप्टर्स है इसमें, एक्चुअली 60 कुछ चैप्टर्स है, 65 आई थिंक, बाकी जो 85 तक है 20 जो है ना वो साइड स्टोरीज टाइप के हैं, बट इट्स ऑल्सो गुड।
मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका स्टोरी पूरा, एंडिंग मुझे बहुत बढ़िया लगा, जो कंक्लूजन निकलता है, जो जिसमें में सर्वाइवल को दिखाया गया है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ट्विस्ट्स बहुत बढ़िया थे भाई, लास्ट में वो हार्ट वाली, क्वीन हार्ट वाली जो बातें करती है, आए हाय भाई दैट ट्विस्ट, इट वॉज ऑसम। ज़रूर से रीड कर लेना, काफ़ी ईजी टू रीड है, क्विक टू रीड है, बहुत अच्छा स्टोरी भी है इसका। इसका कुछ आई थिंक अडेप्टेशन भी आया है, कोई जैपनीज अडेप्टेशन आई थिंक, मैंने नहीं देखा है तो आई डोंट नो अबाउट इट, बट मांगा तो बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है, आईड रिकमेंड यू। फुल मेटल एल्केमिस्ट ब्रदरहुड, द मोस्ट हाईली रेटेड एनिमे इन IMDb, राइट, बट ये मुझे नहीं पसंद। यस, आई फॉल इन टू द माइनॉरिटी जिसको FMV नहीं पसंद है। एक्चुअली इसका एक रीज़न है, वो ये है कि मैंने फुल मेटल एल्केमिस्ट ब्रदरहुड को, FMV को, मैंने 2 महीने के स्पैन में देखा था, और बाय 2 महीने आई मीन टू से कि पहले महीने के पहले 2 दिन में मैंने 30 एपिसोड देखे थे, और दूसरे महीने के आखिरी 2 दिन में मैंने बाकी 30 एपिसोड देखे थे। मेरे को बिल्कुल स्टोरी याद नहीं था जब मैंने सेकेंड हाफ देखा था उसका, और क्यों देखा था, क्योंकि मैं भूल गया था इसको देख रहे ही, मैं भूल गया था, या फिर कुछ एग्ज़ाम आ गए थे आई थिंक, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, बट मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था इसके लिए। वरना प्लॉट तो मेरे को बढ़िया लगा था, प्लॉट अच्छा है एक्चुअली में, और तो क्या इतना अच्छा है कि ये नंबर 1 रहे IMDb में, आई डोंट थिंक सो, बट ठीक है, लोगों ने दिया है भाई रेटिंग, कुछ सोच समझ के दिया होगा। 60 कुछ एपिसोड्स है इसके, स्टोरी कंप्लीटेड है, पुराना एनिमेशन है, पुराना एनिमे ये तो थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट बेयर विथ इट, इट्स स्टार्टिंग तो थोड़ा अजीब लगेगा, बाद में मज़ा भी आएगा। बाय द वे FMAB के बदले FMA मत देख लेना, फुल मेटल एल्केमिस्ट मत देखना, ब्रदरहुड वाला ही देखना, क्योंकि मैंने सुना है कि एल्केमिस्ट वाला इनकम्प्लीट है, पता नहीं, बट मैंने ब्रदरहुड देखा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एनिमे इज दिस एनिमे, ओके भाई, ओके सब टर्की लोग आ जाओ, असेंबल कर जाओ, High School DxD। यस, मैंने इसके 4 सीज़न देखे हैं, ठीक है, 4 ही सीज़न आए थे आई थिंक, या 4 या 5 सीज़न आए हैं, मैंने सब देखा है, एंड सरप्राइजिंगली मुझे इसका प्लॉट अच्छा लगा था, ऑल्दो पेसिंग सुअर था, बहुत सुअर पेसिंग था, बट प्लॉट इट वॉज फन, एंड Akemi शी वॉज फन, या बढ़िया थी। वो RRR वाला तुमने शायद मीम सुना होगा, RRR वाला वो तब ट्रेंडिंग था, अभी है कि नहीं पता नहीं, बट क्योंकि एनिमे ऑडियंस एक ही ज़माने में अटकी रहती है, तो आई थिंक वो अभी भी ट्रेंडिंग होगा ही, तो या वो वाला जो मीम है वो यहीं से निकला है, और उसी मीम की वजह से मैंने इसको देखा था, एंड वो मीम जब आया था तब मुझे इतना खास लगा नहीं था, बट Akemi शी वॉज स्पेशल, इट वॉज फन, आई वुड से इट वॉज फन, बट क्या 5 सीज़न देखने लायक है ये, आई वंडर। 2 सीज़न देख लेना, 1-2 सीज़न देखना, अगर अच्छा लगा देख सकते हो, और टर्की वाले लोग एंड टर्की लोग जो लोग सोच रहे होंगे कि इसमें काफ़ी सेक्स वूक्स किस कूस होगा, इसमें है, ठीक है है इसमें, ठीक है, तुम देख सकते हो इसको, लेकिन ऊपर ऊपर वाला ही है, सॉफ्ट सॉफ्ट वाला है, ठीक है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। द नेक्स्ट एनिमे इज ड्रैगन बॉल, एंड ड्रैगन बॉल में मैं ड्रैगन बॉल एंड ड्रैगन बॉल जी दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ। ड्रैगन बॉल इट इज़ अ लेजेंडरी एनिमे, बट पता है मेरा कोई नॉस्टैल्जिक फीलिंग नहीं रहा है, मेरा कोई नॉस्टैल्जिक कनेक्शन नहीं रहा है ड्रैगन बॉल से। मैंने बचपन में 1 भी एपिसोड नहीं देखा है ड्रैगन बॉल का, हिंदी डब, हिंदी डब कुछ भी, तो जब मैंने ड्रैगन बॉल देखा था आई हैड हाई एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि मुझे लगा था ना कि ड्रैगन बॉल की स्टोरी बहुत अच्छी होगी, बट नहीं थी, नहीं, इसमें लोग मर के वापस आ जाते हैं 100 बार तो ज़्यादा हो गया, बट 3-4 बार तो आ ही जाते भाई, क्रिलिन मरा था भाई 3-4 बार, वो वापस आ गया हर बारी, तो या ड्रैगन बॉल प्लॉट के लिए मत देखना। एक्शन अच्छा है, लेकिन मैंने सुना था कि वो फ्रीजा और गोकू का फाइट जो बहुत एपिक है, बहुत अच्छा है, मैंने सुना था, इट वॉज सो फकिंग बोरिंग, इतना लंबा फाइट, वो भी बकवास कर रहे थे वो आधी फाइट में, तो Super Saiyan 1 वॉज ऑसम, दो Super Saiyan 3 बेस्ट था भाई, नो कैप। ड्रैगन बॉल अगर तुम्हें एनिमे कम्युनिटी में लाइक ऐसा रहना है कि हाँ भाई हमने एक लेजेंडरी एनिमे देखा है तो देख लो, लेकिन क्या वो ज़रूरी है देखना, आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट समथिंग वेरी स्पेशल जिसको तुम मिस कर दोगे तो तुम बहुत रिग्रेट करोगे, आई वुड से। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो, नहीं देखना है तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एनिमे इज ड्रैगन बॉल सुपर, ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल जी का ही कंटिन्यूशन है ये। मैंने इसको ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल जी के साथ नहीं मिलाया, क्योंकि वो स्टोरी को आई थिंक Akira Toriyama ने लिखा भी नहीं है, आई थिंक वो बहुत बाद चालू हुआ, और क्योंकि ड्रैगन बॉल जी वॉज एक्चुअली
फिनिश्ड. लाइक ड्रैगन बॉल की स्टोरी ड्रैगन बॉल जी के साथ खत्म हो गई थी, बट ड्रैगन बॉल सुपर फिर से चालू करती वो स्टोरी. इसलिए आई थिंक वो एक अलग ही एनिमे है यार, वो एक अलग ही एनिमे है. और भले ही उसमें स्टोरी है गोकू लोगों की है, बट वो थोड़े ड्रैगन बॉल सी के इवेंट से पहले की है, एक्चुअली बहुत पहले की, भाई 8-10 साल पहले की है. तो इसलिए मैंने उसको सेपरेट किया. इट वॉज फन, एक्शन बहुत था. मैंने सुपर सेन ब्लू से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखा था. इट वॉज मिड, नॉट गोना लाइ. अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बेस्ट था, लेकिन बहुत मजा आया था. या इट वॉज फन. लेकिन ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल जी नहीं देखा तो ड्रैगन बॉल सुपर तुम नहीं देख सकते हो. सुपर के लिए से यू कैन वॉच इट, ड्रैगन बॉल एंड ड्रैगन बॉल जी, बट तुम्हारी मर्जी. अगर सुपर भी मिस कर दोगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है. द नेक्स्ट इज नी जीरो डेज. अब मेरे को पता है कि मैंने इसको देखा है, बट मुझे याद नहीं है कि इसमें क्या हुआ था. ये भी कोई स्लाइस ऑफ लाइफ ही था आई थिंक. एंड ठीक है भाई, मेरे को याद नहीं, बिल्कुल याद नहीं. आई थिंक इसके भी 10-10 एपिसोड के, 10-10 मिनट के एपिसोड्स थे क्या? मेरे को नहीं याद है, ये मुझे बिल्कुल याद नहीं. मुझे इसके कैरेक्टर्स तक याद नहीं है यार, तो आई कैन नॉट जज इट. बट यार मैंने देखा है, तुम ट्राई कर सकते हो, देख लेना. मेरे को याद नहीं बिल्कुल, और मैं अभी देखने नहीं बैठने वाला, ठीक है. द नेक्स्ट एनिमे, दिस एनिमे वॉज ऑसम. आई एम टॉकिंग अबाउट फेट जीरो. फेट जीरो एक काफ़ी वेल डिटेल्ड एनिमे बैटल रॉयल है, एंड इसका बैटल रॉयल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया. बट आई वुड से कि फेट जीरो को देखने से पहले फेट अनलिमिटेड ब्लेड्स था आई थिंक, वो उसका सीक्वल है फेट जीरो का, उसको देख लो ना. फेट जीरो तुम पहले से ही देख लोगे ना तो वो एक्चुअली में प्रीक्वल ही है. बट अगर तुम फेट जीरो पहले देख लोगे तो वो तुम्हें काफ़ी स्लो लगेगा एंड तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा इनिशियली, तो तुम उसे इतना इन्जॉय नहीं कर पाओगे. इसलिए आई वुड से फेट अनलिमिटेड ब्लेड्स ही था आई थिंक, आई एम नॉट श्योर. उसको देख लेना पहले. 24 एपिसोड्स है दोनों में. इट वॉज फन, मुझे अच्छा लगा था. एनिमेशन बहुत बढ़िया था, पुराना एनिमेशन है लेकिन बहुत अच्छा एनिमेशन है. कैरेक्टर्स काफ़ी फन थे, एंड जो बैटल रॉयल थी वो बहुत मज़ेदार थी. वो सिकंदर वाला कैरेक्टर भाई, डब्लू कैरेक्टर भाई, बहुत प्यारा कैरेक्टर था वो, मज़ा आया था उसको देख के. बहुत बढ़िया फेट, अगर नहीं देखा तो देख लेना ज़रूर से, अच्छी है स्टोरी, बहुत अच्छा है इसका. द नेक्स्ट एनिमांगा, इस चैनल में सबसे ज़्यादा फेवरेट लोगों का यही एनिमे स्लैश मांगा है, आई नो इट. वन पीस, डू आई एवर हैव टू टेल अबाउट वन पीस? लाइक वो कितना अच्छा है, डू आई एवर हैव टू टेल अबाउट इट? ब्रो अगर तुम्हें वन पीस नहीं पता तो तुम्हें क्या पता है? प्राउड वन पीस का टट्टा, नहीं जस्ट किडिंग. वन पीस अगर तुमने नहीं देखा है तो आई वुड से देख लो, इट्स अ फन एक्सपीरियंस. धीरे धीरे करके देखना, बहुत हड़बड़ी में मत देखो. बहुत लोग करते हैं इंक्लूडिंग भी, मैंने भी यही किया था कि 1-1.5 महीना में ही ख़त्म करना है बोल के. लेकिन आराम से देखो, 1 साल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, या मांगा रीड कर लो, तुम्हारी मर्जी. वन पीस का आई थिंक जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि वन पीस मिस्ट्रीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से रिवील एंड बना के रखती है. उसके अराउंड जो बिल्ड होता है, वो जो हाइप होता है, वो काफ़ी अच्छे से बनाती है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से डिलीवर करती है टुवर्ड्स इट्स ऑडियंस, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है वन पीस के बारे में. एंड उसी की वजह से वन पीस इवन आफ्टर 26 ईयर्स रेलिवेंट है. वरना मोस्ट ऑफ द एनिमेस अच्छी अच्छी स्टोरी वाली इररेलीवेंट हो जाती है, बट वन पीस में ऐसा क्या है? वन पीस में स्पेशल चीज़ है. ओडा इज़ अ फिनोमिनल राइटर, ऑसम राइटर. बहुत अच्छा प्लॉट बनाया बंदे ने, बहुत अच्छा वर्ल्ड बिल्डिंग, जो वन पीस जिसके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होता है, अप्रिशिएट किया जाता है वन पीस को. बहुत प्यारा वर्ल्ड बिल्डिंग है. एंड मैंने अभी यहाँ पे ओडा करके बोला तो डोंट थिंक कि मैंने डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ. नो, आई रिस्पेक्ट ओडा सेंसे अलॉट, ठीक है, जस्ट लाइक यू गाइस. ओडा सेंसे इज अ जीनियस राइटर, यू शुड गिव इट अ ट्राई. एटलीस्ट 200 एपिसोड, नहीं तो मांगा रीड कर लो. मैं सच बताऊँ 200 एपिसोड, आई नो इट साउंड्स पेन इन द एस, ठीक है, 200 एपिसोड तक कौन रुके रहेगा. मांगा रीड कर लो, अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा यू कैन ड्रॉप इट. अच्छा लगा तो देखते रहो और आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे करके देखना, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, मज़े लेके देखो शो का, ख़त्म करने मत देखो. ओ बाय द वे, डिड आई टेल यू कि इसमें 1000 चैप्टर्स है, 1180 कुछ चैप्टर्स है एंड एपिसोड्स 1000+ ही है, वो भी 1100 के अराउंड ही है. ये मैं लास्ट में बता के गलती कर दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, देख लेना, धीरे धीरे करके देखना, ठीक है. नेक्स्ट एनिमे इज इरेस्ड, 12 एपिसोड्स, साईफाई है ये, टाइम ट्रैवल है इसमें. एंड इट वॉज फन, मुझे अच्छा लगा था. बहुत लोग को एंडिंग नहीं पसंद आती है, मुझे ठीक लगा था, अच्छा लगा था मुझे. पेसिंग बढ़िया थी, स्टोरी अच्छी थी. थोड़ा सा एंडिंग बहुत लोग को थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, मुझे अच्छा लगा था ये. द नेक्स्ट एनिमे इज मेड इन अबिस. इस एनिमे के अराउंड बहुत हाइप था एक्चुअली. पता है मेको, मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे एंड मैंने एक चीज़ जो सुना था बाय मेड इन अबिस वॉचर्स कि ये एनिमे बहुत डार्क है.
इज इट तो नहीं, आई मीन इट इज डार्क अ बिट, बट मैंने बर्जक देख रखा है यार, हाउ कैन आई फाइंड दिस थिंग डार्क, जस्ट टेल मी। ये भाई लाइक पिंच ऑफ सॉल्ट डार्कनेस है भाई, बर्जक के डार्कनेस के सामने। मेड इन अबीस के मेरे को एक भी सीन में बिल्कुल भी इमोशनल ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, और लोग बनाने का बहुत कोशिश किया था यार, दो एपिसोड पहले इंट्रोड्यूस कैरेक्टर मार के तुम कैसे इमोशन फील्स करा सकते हो भाई, कैसे मैं कैसे हो जाऊँ इमोशनल, जस्ट टेल मी, नहीं हो सकते भाई, मैं तो नहीं हो पाया भाई, सिंपल। मुझे नहीं लगाया मेड इन अबीस वॉज मिड, नहीं अच्छी थी, स्टोरी अच्छी थी, वर्ल्ड बिल्डिंग काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, जो अबीस का पूरा दुनिया था, बट डार्क के मामले में इट वॉज ओकेश आई वुड से। 12 एपिसोड्स आ चुके हैं इसके, दो सीजन्स है, एंड 12 एपिसोड के दो सीजन्स है, 24 एपिसोड है टोटल में। और फर्स्ट सीजन के बाद मूवी नंबर 3 देख लेना, क्योंकि मूवी नंबर 3 इज कैनन, बाकी दो मूवीज मत देखना, वो रिकैप टाइप की हैं, लेकिन थर्ड मूवी देख लेना, उसके बाद सीजन 2 चालू करना। द नेक्स्ट एनिमे इज ग्रैंड ब्लू। दिस एनिमे ब्रो, इट वॉज फन, एजी एनिमे, काफ़ी कॉमेडी है, बट इसके एजीनेस मुझे अच्छी लगी थी, काफ़ी गे घू के जोक्स है, एंड इट वर्क्स एवरी टाइम। ग्रैंड ब्लू अगर तुमने नहीं देखा है तो आई वुड से ज़रूर से देख लेना, 12 एपिसोड्स है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुम्हें लगेगा ही नहीं एक्चुअली टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली में मज़ेदार है, बढ़िया है, ज़रूर से देखना, फन है, हंसोगे बहुत भाई, वो लोटपोट हंसी के फुवारे आएंगे तुम्हें बहुत ज़्यादा। पैरासाइट, दिस एनिमे डूड, इट्स ऑसम, इट्स क्रेजी। पैरासाइट मैंने अपने इनिशियल एनिमे फैन वाले स्टेज में देखा था, और उस टाइम पे ना मेरे को पैरासाइट का एंडिंग मेरे से गेस नहीं हो पा रहा था कि क्या होगा, लेजिट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इसका हैप्पी एंडिंग होगा कि सैड एंडिंग होगा, आई वॉज सो फकिंग कन्फ्यूज, एंड वो कन्फ्यूजन बनाने में पैरासाइट बहुत बढ़िया था। पैरासाइट का जो एक चीज़ जो मैसेज देता है ना पैरासाइट, वो भी बहुत अच्छा है, जो लव के अराउंड मैसेज देता है, बहुत प्यारे तरीके से दिया है वो मैसेज पैरासाइट ने, एंड जो एक्शन एंड गोर है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी फन था यार, पैरासाइट वॉज सच एन ऑसम एनिमे। 24 एपिसोड्स है, देख लेना, नहीं देखे होगे तो इट्स ऑसम, इट्स अ मस्ट रिकमेंडेड एनिमे, ओके ज़रूर से देखना इसको भी। नो गेम नो लाइफ एक इसेकाई एनिमे, इस लिस्ट का आई थिंक ये फर्स्ट इसेकाई है, नहीं आई थिंक मेड इन अबीस भी था, नहीं आई डोंट नो मैन, मेड इन अबीस को बोल सकते कि नहीं, बट या दिस एनिमे इज इसेकाई, इट्स अबाउट टू सिबलिंग्स who are gamers and they are neets and they go into some game world, I think ऐसी कुछ था इसका स्टोरी। ब्रोकन मेन कैरेक्टर्स हैं, एंटी सोशल टाइप के हैं, दुनिया भर की दिमाग लगाते हैं, गेम्स खेलते हैं, एंड बेस्ट है उसमें, मैं बोलूँगा कि बढ़िया था, अच्छा था, देख सकते हो 12 एपिसोड्स है, लेकिन इसका एक चीज़ है कि इसका सेकेंड सीजन नहीं आने वाला है, मैंने देखा था नहीं आने वाला है, तो ये आई थिंक इसका एक बड़ा फ्लॉ है। फर्स्ट सीजन को देख के यू कैन से कि हाँ यार सेकेंड सीजन इसका बनना चाहिए था, बट नहीं बनेगा, सैड। द नेक्स्ट एनिमे इट्स प्रिजन स्कूल, एंड इस एनिमे को मैं क्यों देखा था, क्योंकि मेरे को किसी ने बोला था कि इसमें ग्रैंड ब्लू जैसी कॉमेडी है, काफ़ी फनी है, ये हंस दोगे भैया, ऐसा कोई बोला था मेरे को, तो आई वॉच्ड इट, एंड पता है इसके एजी जोक्स मेरे को फ़नी नहीं लगे, मुझे बहुत क्रिंज लग रहे थे, मुझे प्रिजन स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैंने जब इसको देखा था ना, तब मैं लाइव स्ट्रीम में भी आके बोला था कि क्यों रिकमेंड किया मुझे ये, मुझे बिल्कुल नहीं जमा था ये, इट वॉज बोरिंग, इट वॉज नॉट इवन फनी, लाइक मेरे को क्रिंज फील हो रहा था बहुत, भाई लड़की जा रही है उस पर मूत गिर जा रहा है, आ नो इट्स नॉट फनी यार। ग्रैंड ब्लू के होमो जोक्स पर फनी, बट दिस नहीं, मुझे नहीं लगे थे, ऑल दो तुम ट्राई कर सकते हो, इट्स नॉट दैट हार्ड टू मेक एनिमे फैंस लाफ, बोबे दिखा दो खुश हो जाते हैं वो, तो यार तुम्हें पसंद आ सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, तुम ट्राई कर लेना फिर भी, लेकिन देख लो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा तो बढ़िया बात है, नहीं लगेगा तो भी बढ़िया बात है। अटैक ऑन टाइटन, डू आई हैव टू टॉक अबाउट इट, यस आई डू, मैं बात करूँगा अटैक ऑन टाइटन की, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था अटैक ऑन टाइटन, 4 सीजन मैंने इसके देखे हैं, और उसके बाद मैं मांगा रीड किया था, मांगा पूरा रीड कर रखा है मैंने, बहुत लोगों को एंडिंग से प्रॉब्लम होती है, मेरे को आई नो एरिन की कैरेक्टर पूरा ऐसा पलट दिया था, फ्लिप मार दिया था, लेकिन फिर भी मेरे को इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था एओटी से, एओटी के एंडिंग से, ओवरऑल आई वुड से इट वॉज एंटरटेनिंग, मुझे मज़ा आया था एओटी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। एनिमे इसका बहुत बढ़िया है, स्पेशली
थर्ड सीजन बहुत अच्छा था यार, बहुत प्यारा। जो वो शिगानशिना थिंग था, वो विलेज का नाम या जो भी था, वो सिटी का नाम, जिसको जो उसको कैप्चर करते हैं, रिकैप्चर जो भी करते हैं वो, लाइक टाइटन्स को भगा के अपना अड्डा बनाना, भाई बहुत बढ़िया था वो आर्क। एंड जो पूरे चीज़ें डिस्क्लोज होती है, ये मेरे के पॉइंट पे आई थिंक और चीज़ें रिवील होनी चाहिए थी, बट ठीक है कोई बात नहीं। ओवरऑल फन एनिमे लगा था मुझे AOT, एंड बहुत लोग को AOT से बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे इतना भी नहीं था। एंडिंग थोड़ा मेस्ड अप था बट इतना भी नहीं था। द नेक्स्ट एनिमे इज बनी गर्ल सेनपाई। इसका पूरा नाम मेरे को याद नहीं है, कुछ था ये, एंड इट वॉज फन। एक सीजन आया इसका अभी तक, 12 एपिसोड्स है उसमें, एंड लव स्टोरी दिखाई है, रोम कॉम टाइप का है विथ अ पिंच ऑफ साईफाई आई गेस। या इट वॉज फन। ओवरऑल स्टोरी जितना दिखाया उतना मेरे को अच्छा लगा था। बहुत पहले देखा था तो उस टाइम तो बढ़िया ही लगा था, अभी पता नहीं अगर देखूंगा तो कैसा लगेगा, बट उस टाइम अच्छा था। 12 एपिसोड्स है तो इतना टाइम वेस्ट होगा नहीं, देख लेना, फट से खत्म हो जाएगा, तो या गो फॉर इट। क्लासरूम ऑफ द अलाइट, दिस वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे दैट आई वॉच्ड। क्लासरूम ऑफ द अलाइट का मेन कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट मेन कैरेक्टर्स है वो, आयनोकोजी कियोटाका, कियोटाका आयनोकोजी जो भी बोल सकते हैं। एंड मेरे को एनिमे अच्छा लगा था इसका। एनिमे के बाद आई स्टार्टेड रीडिंग इट्स लाइट नॉवल टू, एंड पता है क्लासरूम ऑफ द अलाइट का लाइट नॉवल जो था उसकी वजह से मैं बुक्स के अंदर आ पाया, लाइक ये बुक्स की दुनिया में, मुझे बुक्स रीड करने का आदत हुआ उसकी वजह से। लाइट नॉवल में तो स्टोरी काफ़ी अच्छी, लेकिन हम यहाँ पे एनिमे की बात करेंगे। एनिमे मैंने एक ही सीजन देखा, सेकंड सीजन नहीं देखा, क्योंकि मैंने लाइट नॉवल में कब का रीड कर लिया था उसको, 2 साल पहले ही। एनिमे बहुत मज़ेदार है। फर्स्ट सीजन मुझे एक्चुअली में अच्छा लगा था, ऑल्दो मैंने सुना है बहुत सारे लाइट नॉवल के फैंस से कि फर्स्ट सीजन में ना पहले 3 लाइट नॉवल के वॉल्यूम से बहुत चीज़ें काट दी गई है, इसलिए लोग रिकमेंड करते हैं कि वॉल्यूम रीड कर ले। लेकिन आई थिंक अगर एनिमे नहीं होता तो मैं कभी लाइट नॉवल में घुसता ही नहीं ना उसके, तो या एनिमे अच्छा था तभी मैं घुसा, इसलिए आई थिंक इट शुड बी अप्रिशिएटेड मोर। होता भी है, बहुत अप्रिशिएट करते भी है लोग। आई वुड से अगर तुमने नहीं देखा है तो देख लेना, और उसके बाद अगर तुम्हें लाइट नॉवल में इंटरेस्ट आए तो रीड कर लेना। इट्स ईजी टू रीड, इट्स फन, ओके, मज़ेदार है लाइट नॉवल। अभी मैं रीड करता हूँ, ऑल्दो पिछले 2-3 वॉल्यूम्स पेंडिंग है, बट ठीक है कर लेंगे उसको भी रीड, कोई दिक्कत नहीं है। साइबरपंक एजरनर्स इसी साल देखा था मैंने, एंड इट वॉज बोरिंग, ब्लैंड, मत देखना, बेकार है। जुजुत्सु काइजन, ओके लेट्स टॉक अबाउट जुजुत्सु काइजन। एक सीज़न देखा है मैंने इसका बस। मांगा मैंने सुना अपने दोस्तों से कि इसका एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी इंटेंस है अभी के टाइम पे। इसका भी लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस, मैंने जहाँ तक सुना है कि इसमें भी काफ़ी डेथ्स होते हैं, तो या एटलीस्ट द ऑथर इज गट्सी इनफ कि वो किल कर सकता है कैरेक्टर्स को, वो एक चीज़ है। जुजुत्सु काइज़न मैंने एक सीज़न देखा था एंड वो मुझे अच्छा लगा था, मैं बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं एकदम भी इम्प्रेस नहीं था उससे, इसलिए मैंने कभी मांगा रीड करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरे को वाइब आया ही नहीं कि यार चलो आगे की और स्टोरी जानते, वो वाली क्यूरियोसिटी कभी हुई नहीं मुझे इसके एनिमे को देख के। ऑल्दो एनिमेशन काफ़ी अच्छा था, एक्शन काफ़ी अच्छा था, और बीच बीच में थोड़े कुछ जोक्स थे जो कि फ़नी थे, जैसे वो लॉरेंस वाला जो था, जेनिफर लॉरेंस, लंबे टांग एंड ऑल दैट शिट, फन था वो, मुझे फर्स्ट सीजन ठीक ही लगा था। 24 एपिसोड है तो यू कैन गिव इट अ ट्राई, तुमने देख लिया होगा यार, आई नो जुजुत्सु काइज़न इतना ज़्यादा फेमस एनिमे, कोई भी देख लिया होगा, आई नो इट। नहीं देखे हो तो देख लेना, इट्स फन, और अगर तुम्हें मांगा में इंटरेस्ट आया तो उसको भी रीड कर लेना, मैंने सुना जहाँ तक इट्स गुड। द नेक्स्ट एनिमे, ये वाला एनिमे मैंने अभी भी देखा था एंड इट वॉज सो गुड। 13 एपिसोड्स आई थिंक इसमें, एंड इट वॉज टोटली वर्थ इट। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑड टैक्सी, एक काफ़ी अच्छा एनिमे। पता है ऑड टैक्सी का पहले 3 एपिसोड को देख के ना मैं इसको ड्रॉप करने वाला था, बट फिर 4th एपिसोड में जो हुआ, इट वॉज सो गुड। 4th एपिसोड के बाद ना ऑड टैक्सी हर एपिसोड में बेटर होते गया, एंड फाइनल एपिसोड का जो ट्विस्ट था, आए हाय बहुत बढ़िया। एक टिप है ऑड टैक्सी, अगर तुम देखोगे तो एक चीज़ है कि ऑड टैक्सी के एनिमे भले खत्म हो चुका है, स्टोरी कंप्लीटेड है, बट लास्ट में ना एक ओपन एंडिंग टाइप का दिया गया है ऑड टैक्सी के एनिमे में, तो अगर तुम्हें उस ओपन एंडिंग का भी तुमको अगर तरीके से एंडिंग देखना है तो एक काम करना कि ऑड टैक्सी का मूवी देख लेना, मूवी के लास्ट के 10 मिनट देख लेना, उसमें पूरा प्रॉपर एंडिंग दिखा दिया गया, ठीक है, एंड वो एंडिंग अच्छा है। ओवरऑल ऑड टैक्सी काफी फन है, जरूर से देख लेना अगर तुमने नहीं देखा होगा तो, इट्स एक्चुअली गुड। री जीरो,
एक इसेकाई एनिमे। मुझे रीजीरो अच्छा लगा था, मैंने एक सीज़न ही देखा इसका, दो सीज़न आ चुके हैं इसके एनिमे में और मैंने सेकेंड सीज़न नहीं देखा था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कब इसका सेकेंड सीज़न आ गया, एंड जब आया था तब मेरा मन भी नहीं किया था इसको देखने का। फर्स्ट सीज़न मुझे अच्छा लगा था, ऐसा नहीं है कि मुझे बेकार लगा था, नहीं, फ़न था। एंड अगर तुमने एक मूवी देखा होगा, अगर तुमने देखा होगा तो हैप्पी डेथ डे आई थिंक उस मूवी का नाम, उसमें ये बार बार मर के ज़िंदा होने वाला कॉन्सेप्ट था, वो सेम चीज़ में है एंड इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। आई वुड रिकमेंड यू, अगर तुमने नहीं देखा होगा तो ज़रूर से देख लेना, अच्छा है, मज़ेदार है। अगर फर्स्ट सीज़न अच्छा लगा तो सेकंड सीज़न भी देख सकते हो, लाइट नॉवल भी रीड कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, मैंने नहीं किया तो आई डोंट नो अबाउट दैट। राइज ऑफ द शील्ड हीरो, एक और इसेकाई एनिमे, एक सीज़न देखा है मैंने इसका भी, एंड स्टार्टिंग में इस एनिमे के एक कैरेक्टर रहती है लाल भाई, वो कैरेक्टर इतना गुस्साया था उसको देख के, बट एंड तक अच्छा लगता है। ओवरऑल मेरे को ये बहुत अच्छा लगा था, आई थिंक ये मेरा फेवरेट इसेकाई है। अगर मैं बोलूंगा ना कि इसेकाई में सबसे ज़्यादा मुझे सही कौन सा लगा था, तो आई थिंक मैं इसी को बोलूंगा। दो सीजन्स आ गए इसके एंड मैंने अभी तक एक ही देखा है इसका, बहुत पहले देखा था, जब देखा था तब एक ही सीज़न आया था, उसके बाद मौका नहीं मिला वापस से देखने का, तो या अच्छा है लेकिन देख लेना ज़रूर से। द नेक्स्ट मांगा वेगाबॉन्ड, दिस मांगा या इट्स डेफिनेटली इन माई टॉप 10 100%। बहुत प्यारा मांगा, जिस वे में ईस्टर्न फिलॉसफी को दिखाया गया है बहुत अच्छा, एंड मुझे लगा था कि एक एक्शन मांगा होगा क्योंकि जापान रोनिन सामुराई उसी के अराउंड पूरा स्टोरी था, तो मेरे को लगा था कि भाई ये बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की चाह रहा है तो काटते जाएगा सबको एंड वही दिखाएंगे, काटने को ही दिखाएंगे, ये शोनन जैसा मेरे को लगा था कि उसी फॉर्मेट में होगा, बट नहीं, देर इज़ अ रीज़न कि क्यों ये सेनेन है एंड दैट रीज़न इज़ अ गुड रीज़न। बहुत अच्छा है, मैंने एक रिव्यू बना के रखा है, अगर तुम्हें डिटेल में इसके बारे में जानना है स्पॉयलर्स फ्री होते हुए तो तुम वो रिव्यू देख लेना। अगर तुम्हें इसको नहीं देखना है तो मेरी बात मानो, इट्स गुड, स्टार्ट कर लो, बहुत अच्छा है। 328 चैप्टर से स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है बट धीरे धीरे बहुत अच्छा लगेगा। एक आर्क है इसमें फार्मिंग आर्क, इट वॉज माई फेवरेट आर्क इन द एंटायर मांगा, एंड उस आर्क में एक भी फाइट सीन नहीं है भाई, वो बंदा स्वॉर्ड तक नहीं उठाता उस आर्क में, लमाओ, एंड स्टिल इट्स द बेस्ट आर्क ऑफ वेगाबॉन्ड, जरूर से देख लेना, ये बहुत प्यारा मांगा है, अगर नहीं रीड किया है तो कर लो, बहुत अच्छा है। डीमन स्कूल एरोमा कून, मैंने इसको क्यों देखा था यार, आई थिंक इसलिए देखा था क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी हद तक MHA के मेन कैरेक्टर जैसा दिखता है, मिडोरिया जैसा दिखता है इसका मेन कैरेक्टर, इरुमा ही नाम था उसका आई थिंक, एंड आई थिंक मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इसको देखा था क्योंकि मुझे जानना था कि भाई अगर इसका मेन कैरेक्टर इतना MHA के मेन कैरेक्टर जैसा दिखता है तो क्या ये शो भी MHA जैसा ही है, एंड आई वुड से हाँ सम हाउ, आई मीन शोनन है, सेम स्क्रिप्ट फॉलो होता है इसमें भी, बट थोड़ा सा चेंजेस है जो कि ठीक है। मैंने एक सीज़न देखा है, दो सीज़न आ गया है आई थिंक इसके मांगा में करीब, जब मैंने एक सीज़न देखा था तब 180 कुछ चैप्टर थे, मैंने रीड नहीं किया था क्योंकि मेरा मन नहीं किया था। मैं ये बोलूँगा कि इट्स नॉट बैड बट इट्स नॉट दैट ग्रेट इधर, काम चला हुआ है ये। होरी मियाँ, ओके, इसका जब एनिमे आया था तब मैंने इसका एनिमे पूरा नहीं देखा था, दो या तीन एपिसोड देखा था और मुझे ये इनिशियली काफ़ी अच्छा लगा था इसलिए मैंने इसका मांगा पूरा रीड कर लिया था। फिर 120 कुछ चैप्टर्स है मांगा में एंड मुझे ये ख़राब तो नहीं लगा बट एकदम स्पेशल भी नहीं लगा। एक पॉइंट पे होरी जो है, जो कि इस होरी नाम था ना आई थिंक उसका लड़की का, जो भी है मेन फीमेल कैरेक्टर जो है, वो एक पॉइंट पे बहुत अनोइंग हो गई थी क्योंकि वो बहुत लाइक मार मार कर रही थी भाई, अजीब सा किंक टाइप का था उसको, मेरे को बहुत अजीब लग रहा था उस टाइम पे। बाकी मेन कैरेक्टर जो मेल है वो तो ठीक ही है, बढ़िया ही है और ओवरऑल ठीक है, नॉट बैड नॉट दैट ग्रेट इधर। अगर तुम शोजो बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, अगर तुम शोजो के दीवाने हो तो तुम्हें ये अच्छा लगेगा, हाँ ये तुम्हें पसंद आएगा अगर शोजो के दीवाने हो तो। एनिमे में आई थिंक 12 एपिसोड्स, आई एम नॉट श्योर, एनिमेशन बहुत अच्छा है इसके एनिमे का, तो अगर तुम्हें एक अच्छे एनिमेशन वाला शोजो एनिमे देखना है तो यू कैन गो विथ इट। द नेक्स्ट एनिमे इज डार्लिन इन द फ्रैंक्स, एंड मैंने इसको क्यों देखा था यार, दिस एनिमे वॉज सो बैड, लेजिट सो बैड। ये मेरा पहला मेका एनिमे था, मेका जॉनर का ये पहला एनिमे था जो मैंने देखा था और मुझे पता भी नहीं था कि ये मेका है। मैंने क्यों देखा था, क्योंकि इंस्टाग्राम में उस टाइम वो टोइंक टोइंक करके
वो उसकी मेन कैरेक्टर क्या नाम है, 02, हाँ उसका एक रील ट्रेंडिंग चल रहा था जिसमें वो ऐसे ऐसे करके नाच रही थी, बस उसकी वजह से मैंने सोचा था कि भाई कोई बहुत इंटरेस्टिंग एनिमे की इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगी, एंड कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग नहीं थी एंड एनिमे भी इंटरेस्टिंग नहीं था. इट वॉज बोरिंग, इट वॉज ब्लैंड, फालतू एनिमे था. सच बताऊँ तो द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस एनिमे वॉज ट्रैश टू. मेरे को बिल्कुल नहीं जमा था यार ये एनिमे. ट्रैश तो नहीं है, ट्रैश ऐसा बोलना गलत है, बट बोरिंग ज़रूर है, बहुत बोरिंग है. और फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल द वेरी एंड ये बोरिंग ही रहता है, एंड इसलिए इट वॉज नॉट वर्थ इट फॉर मी. ऑल्दो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें देखना है तो देख सकते हो, सिंप विम्प करना होगा 02 पे तो तुम कर सकते हो, लेकिन फिर भी सिंप करने के बाद भी दिस एनिमे इज नॉट दैट ग्रेट. 12-24 एपिसोड्स है इसमें, तो तुम्हारी मर्जी, देखना है तो देखना वरना 3D कानोजो. ये बहुत अच्छा एनिमे है, इसका स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इसकी मेन कैरेक्टर, इसका मेन मेल कैरेक्टर दोनों बहुत बढ़िया लगे थे, दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी. दोनों के अलावा और दो मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि साइड कैरेक्टर्स एक्चुअली, बट उनकी भी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी. एंडिंग काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे. ओवरऑल मुझे ये एनिमे काफ़ी बढ़िया लगा था. शो जो है ये रोमांस जॉनरा में आ जाता है, लेकिन इसका रोमांस तुम्हें अच्छा लगेगा इवन इफ़ यू डोंट लाइक दैट मच रोमांस. आई एम ऑल्सो वन ऑफ द गाइज जिसको रोमांस इतना पसंद नहीं है रोमांस जॉनरा, बट स्टिल आई लाइक्ड दिस एनिमे. 24 एपिसोड्स है, 2 seasons हैं, मुझे बढ़िया लगा था, तुम्हें भी आई थिंक अच्छा लगेगा, यू शुड गिव इट अ ट्राई, फन है ये एनिमे. डेविलमैन क्राई बेबी नेटफ्लिक्स का एडाप्टेशन ऑफ मांगा डेविलमैन क्राई बेबी. पता है तुम्हें कि जो बर्जर्क है जिसे बेस्ट मांगा बोला जाता है, बहुत लोग बोलते हैं, वो डेविलमैन क्राई बेबी से इंस्पायर्ड है. एंड इसका स्टोरी एक्चुअली में बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ये एडाप्टेशन नहीं. डेविलमैन क्राई बेबी का एनिमे एडाप्टेशन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे फास्ट पेसिंग भी एनिमे को रूइन कर सकती है. स्टोरी बहुत अच्छा है इसका, बहुत बढ़िया स्टोरी है, एंडिंग बहुत मज़ा आएगा तुम्हें, सब अच्छा है पता है, लेकिन पेसिंग ना वही दिक्कत हो जाती है. कैरेक्टर्स मरते हैं, कैरेक्टर्स के लिए लाइक जो उनके अराउंड इमोशंस हमें फील करवाने की कोशिश करती है ये एनिमे अडेप्टेशन, वो होता नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम. आई वुड रिकमेंड कि तुम इसका मांगा रीड कर लो, आई हैव हर्ड कि वो काफ़ी अच्छा है इस अडेप्टेशन से. एनिमे आई वुड नॉट रिकमेंड यू. एनिमेशन मुझे अच्छा लगा था, लेकिन पेसिंग ऐसा फील होता है कि 10-12 एपिसोड के अंदर, 10 एपिसोड्स आई थिंक इसमें, 10 एपिसोड्स के अंदर पूरा स्टोरी जबरदस्ती बस घुसाने की कोशिश की है, वो वाली फीलिंग आती है. इसलिए मांगा रीड कर लेना, 30 कुछ चैप्टर्स हैं, मिल जाएगा इंटरनेट में. द नेक्स्ट एनिमे इज आसोबी आसोबा से, एक बहुत बढ़िया स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे, कॉमेडी जॉनरा का है ये. 3 दोस्तों के ऊपर ये एनिमे, एंड तीनों लड़कियां हैं, एंड वो 3 दोस्त हरकतें करते रहते हैं, हाई स्कूल की बच्चियां हैं, एंड दे लाइक दे हैव फन विथ ईच अदर. उनकी मतलब दोस्ती यारी वाला पूरा है, मज़ेदार एनिमे, फनी है, बोर नहीं करेगा. 12 एपिसोड से इस एनिमे के. मांगा इसका चल रहा है अभी भी, आई एम नॉट श्योर मांगा लेकिन है इसका, मैंने रीड नहीं किया है. एनिमे मैंने देखा था, वो बहुत बढ़िया था, तीनों कैरेक्टर्स मस्त हैं, तो तुम इसको देख लेना. अगर तुमने नहीं देखा है देन आई रियली रिकमेंड यू टू वॉच दिस एनिमे. बाकुमान, ओके, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि कैसे जापान में मांगा बनाते हैं एंड मांगा खास कैसे लाइक लाइफ जीते हैं जापान में, अगर उन सब में तुम्हें इंटरेस्ट है देन आई वुड से कि बाकुमान इज़ अ गुड एनिमे फॉर यू. 75 एपिसोड्स है, 3 seasons है, मैंने पूरा देख रखा है इसका, एंड स्टोरी कंप्लीटेड है. बाकुमान में तुम्हें ओडा सेंसे एंड दुनिया भर के और भी ऑथर्स का, मांगा का इसका रेफरेंस मिल जाएगा. एंड बाकुमान में 2 ऑथर होते हैं जो कि 2 मांगा काज होते हैं न्यूबीस. वो उनका ड्रीम होता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट मांगा काज बनेंगे जापान का, एंड वो ड्रीम को ही इन्होंने दिखाया है एनिमे में. इट वॉज़ फन बट थोड़ा सा स्लो पेस्ड भी फील होता है कभी कभी, एंड एक पॉइंट पे जबकि मैं थोड़ा बोर हो गया था, बट ओवरऑल आई वुड से इट वॉज अ गुड स्टोरी, इट वॉज अ गुड वॉच. एक सीजन देख के देखना, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो तुम बाकी भी देख लेना. एंडिंग मुझे बुरी नहीं लगी थी, मुझे अच्छी लगी थी, जो एंडिंग एक्सपेक्ट किया था वही थी, बट वो ही अच्छी थी. बहुत बार तो भाई एक्सपेक्टेड एंडिंग भी लोग हक देते हैं, इसमें ऐसा नहीं है. द नेक्स्ट एनिमांगा इज जोजोस बिजार एडवेंचर. इट्स माई सेकेंड फेवरेट एनिमे एंड मांगा. यार आई रियली लव जोजो भाई, बेस्ट जोजो भाई, इतना बढ़िया है. इफ यू हैवंट वॉच्ड जोजो येट आई वुड रियली रिकमेंड यू टू वॉच इट भाई, बहुत प्यारा एनिमे है ये. एंड
इसकी पता है एक चीज़ है कि पहले में ये बहुत बोरिंग है, फर्स्ट सीजन बहुत बोरिंग है इसका, सेकंड सीजन बोरिंग है बट फर्स्ट सीजन से कम है, थर्ड सीजन और बेटर हो जाता है, बोरिंग है स्लो पेस्ड है लेकिन सेकंड और फर्स्ट सीजन से बेटर है, फोर्थ सीजन में भाई कहाँ ही पहुंच जाता है, एंड फिफ्थ सीजन तो और बढ़िया है, सिक्स्थ और बढ़िया है, सेवन्थ भाई बेस्ट है, एट्थ मैंने अभी तक नहीं रीड किया क्योंकि मैं आराम से करूँगा एंड अभी बहुत टाइम है मेरे पे रीड करने के लिए। नाइन्थ पार्ट अभी इसका चल रहा है मांगा में, जोजो लैंड्स, एंड मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, रिव्यू स्पॉयलर्स फ्री है वो रिव्यू, तो तुम उसको देख लेना। एंड आई वुड रियली से कि चालू करो जोजो, धीरे धीरे देखो बट देखो, मज़ेदार है बहुत ज़्यादा। बाय द वे एक फैक्ट, फन फैक्ट, आई डोंट नो फन है कि नहीं, बट मेरे जो फ़ोन का थीम है वो जोर्नो वाला थीम ही है भाई, मजा आता है यार उसको, जब भी मेरे को फोन आते हैं, ऑल्दो बहुत नहीं आते हैं फोन, बट जब भी आते हैं तब मजा आता है एकदम, फोन उठाने का ही मन नहीं करता लमाओ भाई मैं गिटार में भी वो थीम सीख रहा हूँ, बताओ, बहुत बढ़िया है। अरे तुम जो जो देखो यार, नहीं देखा है तो देखो, नहीं तुम्हें देखना ही पड़ेगा, जस्ट किडिंग, जबरदस्ती नहीं है बट देख लेना, अच्छा है। द नेक्स्ट एनिमे इज अनदर डब्ल्यू एनिमे, हंटर हंटर, पता है हंटर हंटर का सिर्फ एक प्रॉब्लम है, सिर्फ एक, कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, दैट्स इट। आई थिंक हंटर हंटर बेस्ट शोनन एनिमे बन सकता था अगर ये कंसिस्टेंट होता तो, ये इतना ज़्यादा पोटेंशियल कैरी करता है अपने साथ भाई, बहुत प्यारा एनिमे, अगर अभी तक नहीं देखा है देन आई वुड रियली से कि जाके देखो, 148 एपिसोड्स है, एनिमे इनकम्प्लीट है ऑब्वियसली, मांगा ऑल्दो कुछ टाइम पहले मतलब आधे एक साल पहले तक हॉल्ट पे था, बट फाइनली वो हियाटस टूटा एंड हंटर हंटर का मांगा वापस चालू हुआ, लेकिन मांगा वीकली या मंथली नहीं है, जो इसके ऑथर है वो एक बारी में 10-20 चैप्टर्स ऐसे अपलोड कर रहे हैं, तो या तुम्हें वेट करना पड़ेगा इसके मांगा के लिए अगर तुम अपटूडेटेड हो जाते हो तो, बट जब भी तुम्हें मिलेगा मांगा रीड करने का मौका तब तुम एक साथ 10 या 20 चैप्टर से रीड करोगे। मैं मांगा रीड नहीं किया हूँ अभी तक, क्योंकि एक्चुअली मैंने किया था एनिमे ख़त्म होने के बाद के, मैंने करीब 20-30 चैप्टर रीड किया है, लेकिन फिर भी अभी तक मेरे 30 या 40 चैप्टर पेंडिंग है, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं रीड कर लूँगा, मतलब टाइम तो बहुत है भाई, तभी तो ये 1.5-2 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ, बट या उसके लिए जब भी टाइम मिलेगा आई वुड कैच अप। हाईली रिकमेंडेड एनिमे है ये, मांगा भी अच्छा ही है, आर्ट स्टाइल थोड़ा सा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन स्टोरी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई, ये नो कैप अभी का बेस्ट शोनन होता अगर ये कंसिस्टेंट होता तो, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। दैट टाइम आई गॉट री इनकार्नेटेड एज अ स्लाइम अनदर इसेकाई, मैंने फर्स्ट सीजन देखा है इसका, इट वॉज फन, रिमोरू इज अ ब्रोकन मेन कैरेक्टर, इसका मेन कैरेक्टर ब्रोकन है एंड ही इज अ स्लाइम, या एक स्लाइम ब्रोकन कैरेक्टर है, एंड ओवरऑल इट्स नॉट बैड बट इट वॉज नॉट दैट ग्रेट इधर, ठीक है नॉर्मल इसेकाई जैसे ही है, इसेकाई कैसे होते हैं वैसे ही है ये भी, तुम्हें इसेकाई पसंद है तो तुम इसको भी ट्राई कर सकते हो, ऑल्दो ये बहुत फेमस इसेकाई है, तो अगर तुम्हें इसेकाई पसंद है तो आई एम प्रीटी श्योर तुमने इसको देख रखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना, इट्स फन। योर लाइन अप्रैल, ये भी मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है, 22 कुछ एपिसोड्स इसमें, आई थिंक 23 एपिसोड्स इसमें, एंड इट्स ऑसम, इसका जो स्टोरी था, इसमें जो म्यूज़िक था, मुझे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, एंड म्यूज़िक को जिस वे में इसमें यूज़ किया गया है, दिस एनिमे इज़ रियली ग्रेट, अगर तुमने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना इसे, क्योंकि या ये एक फन एनिमे है, स्टोरी कंप्लीटेड है, तुमको कुछ रुकने वुकने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वन सिटिंग में तुम ख़त्म कर सकते हो एंड कर लेना, मज़ेदार है ये। आधा लिस्ट हो गया भाई। 51st एनिमे इज री लाइफ, 12 एपिसोड या 14 एपिसोड, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर कितने एपिसोड्स थे, स्टोरी वॉज फाइन, इट वॉज गुड, कंसेप्ट अच्छा था, ओवरऑल फन था, देख लेना। टैबलेट मिलता है आई थिंक मेन कैरेक्टर को, एंड वो अपने पास्ट में जाता है या किसी और लाइफ, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, हाँ आई थिंक वो अपने पास्ट में जाके अपने प्रेजेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं या कुछ, वो लोनर रहता है तो कुछ करता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इतना याद है कि इट वॉज फन, मुझे मज़ा आया था, स्टोरी कंप्लीटेड है, देख लेना इसको भी। द नेक्स्ट एनिमे, इट्स माई फेवरेट भाई, दिस एनिमे, इट्स द एनिमे दैट आई वॉच्ड रिसेंटली एंड नो कैप, इट्स द बेस्ट एनिमे आई हैव एवर वॉच्ड, एंड इसका लाइक ये मैं इवन अबव बर्ज़र्क एंड जो जो सबके ऊपर रखता हूँ इसको, दिस एनिमे इज़ गिंतामा, अगर तुमने नहीं देखा है गिंतामा देन आई वुड से भाई धीरे धीरे करके देखो, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग है ये, बट देखो और
मज़े लो। 369 एपिसोड्स है, 3 मूवीज़ है, बहुत बढ़िया है ये, बहुत ज़्यादा बहुत मज़ेदार है, बहुत कॉमेडी है, इसके सीरियस आर्क बेस्ट है। फेयरवेल शिनसंगमी आर्क इज़ द बेस्ट आर्क आई हैव एवर विटनेस्ड इन ऑल ऑफ द एनिमेज एंड मांगास। भाई गिंतामा नहीं देखा है, देन आई वुड रियली से कि देखो, देखो ज़रूर देखो। इसका जो मेन कैरेक्टर है, इट्स द बेस्ट मेन कैरेक्टर यू एवर सी। गिंतो की भाई कितना बढ़िया मेन कैरेक्टर, उसकी राइटिंग आए है, बाकी कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। मैंने एक रिव्यू बना रखा है, अभी लास्ट वीडियो मेरा इसी का रिव्यू था, अगर तुमने उसको नहीं देखा है देन आई वुड से उसको देख लेना एंड इस एनिमे को भी स्टार्ट कर दो, ये बहुत अच्छा एनिमे है, तुम्हारा फेवरेट बन जाएगा। अनदर ब्यूटीफुल एनिमे वॉयलेट एवरगार्डन, एक सीजन देखा मैंने इसका, 12 एपिसोड्स, काफ़ी अच्छे वे में दिखाया गया था। जो वॉयलेट की कैरेक्टर राइटिंग थी इसमें, कैरेक्टर डेवलपमेंट था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। एक वॉर सोल्जर कैसे एक ह्यूमन बनती है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था, इट वाज वेरी गुड। आई एम नॉट श्योर कि इसका मांगा है या लाइट नॉवल है, एनिमे है मुझे पता है, 12 एपिसोड्स है, सीजन 1 ही अभी तक आया है, और मांगा आई एम नॉट श्योर, देख लेना एक बार अगर होगा तो। आई एम प्रीटी श्योर कि इसका मांगा भी अच्छा होगा ही, क्योंकि एनिमे तो बहुत बढ़िया था। हाजिमे तो नो गैल एक बोरिंग एनिमे, टर्की मेन कैरेक्टर है, मेल प्रोटैगनिस्ट टर्की है एंड फीमेल प्रोटैगनिस्ट डम्बसी है, थोड़ी सी गधी सी लगी थी मेरे को, ओवरऑल बोरिंग, मुझे नहीं जमा था ये। तुम यू कैन गिव इट अ ट्राई बट मुझे तो नहीं पसंद आया था ये। वन पंच मैन 2 सीजन देखे मैंने इसका, एनिमे ही बस मैंने अभी तक देखा है, मेरे को दोनों सीजन अच्छे लगे थे। 24 एपिसोड्स आई थिंक या 12 एपिसोड है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट फन थे। साइतामा बहुत बढ़िया मेन कैरेक्टर है। मांगा मैंने इसका रीड नहीं किया है, मांगा ऑन गोइंग है एंड ये एक सेनन एनिमे है, इफ़ यू डोंट नो, सेनन मांगा है इफ़ यू डोंट नो, एंड इट वॉज फन। एनिमे तो मुझे अच्छा लगा था, मांगा मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि रीड करो भाई करो, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी स्पॉइल्ड हूँ। मैंने कुछ पैनल्स देखे हैं मांगा के, लेकिन दे आर वेरी ब्यूटिफुल, बहुत अच्छे हैं ये। इसका आर्ट स्टाइल बहुत बढ़िया है, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम वन पंच मैन्स मांगा, क्योंकि भाई थोड़ा गूफी सा बनाया ना एनिमे में भी आर्ट स्टाइल, लेकिन आर्ट स्टाइल एक्चुअली में बहुत बढ़िया है इसके मांगा का। आई एम प्रीटी श्योर तुमने एनिमे तो देख ही रखा होगा, अगर तुम खुद को एनिमे फैन बोलते हो या तुम कुछ टाइम से एनिमे देख रहे हो तो, बट अगर नहीं देखा है तो देख लेना, इट्स फन, मज़ेदार है ये। रीमेक आर लाइफ, ये एनिमे मैं क्यों देखा था यार, इट्स सो बैड, इट्स सो फकिंग बैड। ये वो गेम वाला ही है ना, वेट लेट मी चेक, हाँ ये वही है भाई। आई डोंट रिकमेंड दिस, दिस इज ट्रैश, ये बेकार है। इसका ना जो मेन कैरेक्टर है उसको देख के मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो हर बात पे होशियार बनने की कोशिश कर रहा था भाई, चांटे पड़ेंगे, ऐसी हरकतें करता है ना वो, इतनी डम भाई। नो आई डोंट रिकमेंड दिस शिट, नो डोंट वॉच दिस, ठीक है, नहीं। 12 एपिसोड्स है, एक्चुअली यू नो वॉट, यू शुड वॉच दिस एंड यू विल गेट कि मैं क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा हूँ अभी। दिस एनिमे इज ट्रैश, ब्लैंड, बोरिंग। नरूटो, यहाँ पे मैं नरूटो एंड नरूटो शिपुदन दोनों की बात करने वाला है। नरूटो वॉज माई फर्स्ट एनिमे एंड आई एम ग्लैड कि मैंने नरूटो को एज अ फर्स्ट एनिमे देखा था, क्योंकि अगर नरूटो नहीं होता तो आई थिंक मैं और एनिमेज में घुसता नहीं। इनिशियल स्टेज में नरूटो काफ़ी फन था एंड ओवरऑल भी मैं बोलूंगा कि नरूटो वॉज गुड। एंडिंग थोड़ी सी मेरे को नहीं जमी थी, क्योंकि लास्ट में भाई वो निंजा वर्सेस निंजा नहीं रहा था, दैट वॉज द मेन प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन ओवरऑल फिर भी मेरे को, मैं बोलूंगा कि नरूटो मैंने इन्जॉय किया था बहुत ज़्यादा एंड आई थिंक नरूटो नहीं होता तो मैं एनिमे नहीं देखता और भी। तो या आई हैव टू से कि I'm glad that I watched Naruto. I'm pretty sure तुमने भी देख रखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। There are some characters जिनको देख के तुम पागल हो जाओगे भाई। Touch is the best character. Mushoku Tensei मैंने एक पार्ट देखा है 11 एपिसोड का, इसका फन इसे का यान में नॉट बैड, बट मेन कैरेक्टर बहुत हर किया। लेकिन पता है इसके मेन कैरेक्टर को देखते टाइम ना आई थिंक इतना खराब नहीं लगता है, एकदम क्रिंज वाली फील नहीं आती, क्योंकि ये थोड़ा समझदार लगता है। ये ठरकी है बट समझदार भी है। इसका जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो मेरे को अच्छा लगा। इससे का ये एनिमे में वर्ल्ड बिल्डिंग तो अच्छा होता ही है यार, तो इसमें भी अच्छा है एंड कैरेक्टर्स ओवरऑल में बढ़िया ही है। फर्स्ट पार्ट इज़ गुड इनफ कि तुम्हें आगे के पार्ट्स देखने में इंटरेस्ट आ जाए। एंड मैंने एक टाइम पे सोचा था कि मैं इसका लाइट नॉवल रीड करूंगा, बट फॉर सम रीज़न मैं नहीं कर पाया था। फर्स्ट पार्ट का एक सीक्वल भी आ चुका है, सेकंड पार्ट, मतलब सेकेंड पार्ट को मिला के ही पूरा सीज़न है। मैं नहीं देख पाया था उसको, लेकिन फर्स्ट पार्ट मैंने देखा है इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में डाल दिया। द नेक्स्ट एनिमे मांगा इस ब्लैक क्लोवर। एक पॉइंट पे मुझे ब्लैक क्लोवर बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन आज के टाइम पे
नहीं, मैंने अभी तक ब्लैक क्लोवर के 10 ही चैप्टर्स अभी तक नहीं रीड किए होंगे जो लेटेस्ट आए हैं, क्योंकि मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है। एंड द मेन रीज़न इसके ड्रॉप करने का वो ये था कि ये बहुत एब्सर्ड हो गया था, बहुत बोरिंग हो गया था, बहुत टिपिकल शोनन हो गया था, बहुत रेपिटेटिव हो गया था, एंड आई फेल्ट लाइक इट वॉज नॉट वर्थ इट। एनिमे मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, एनिमे के बाद जो मैंने वॉर देखा था इट वॉज बैड, बट फिर भी मैं कंटिन्यू किया था इन होप्स कि ये और शायद बेटर हो जाए, बट ये कभी बेटर हुआ नहीं एंड इसका स्टोरी और डिग्रेड हो गया। एट दिस पॉइंट आई वुड से ब्लैक क्लोवर इज़ नॉट वर्थ इट, नहीं है। ब्लैक क्लोवर का स्टोरी अभी तो अच्छा नहीं है, एंड द सैड थिंग इज कि ये एक ऐसे पॉइंट पे आ गया है कि अब ये और अच्छा हो भी नहीं सकता है। मैंने बहुत पहले एक रिव्यू बनाया था, एक पॉजिटिव रिव्यू बनाया था ऑन ब्लैक क्लोवर, बट आज के टाइम पे दैट रिव्यू नहीं, आई डोंट अग्री विद दैट रिव्यू एट ऑल। ब्लैक क्लोवर गॉट रियली बैड, बहुत ज़्यादा बैड। द नेक्स्ट एनिमे इज नोबलीज, 12 एपिसोड्स, मानवा का अडेप्टेशन है, बोरिंग है। मानवा मैंने रीड किया था, पूरा नहीं किया था आई थिंक, ये किया था आई डोंट रिमेम्बर, इट वॉज फाइन, मानवा ठीक था। लेकिन यहाँ पे मैं एनिमे की बात कर रहा हूँ, एनिमे बेकार नहीं था बट बोरिंग था। तुम नहीं भी देखोगे तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, यू आर नॉट गोना मिस एनी थिंग्स वेरी स्पेशल, इट्स जस्ट अ नॉर्मल एनिमे जिसको तुम इजिली स्किप कर सकते हो। लव इज वॉर, काकुरा सामा, कागुया सामा आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर, कागुरा तो गिनतामा वाली थी, कागुया सामा लव इज वॉर। दो सीजन देखे मैंने इसके, दोनों मज़ेदार थे। सेकेंड सीजन का लास्ट में जो पूरा लाइक एक कैरेक्टर था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली हिज नेम, बट उसका जो पूरा स्टोरी देखा है तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, बढ़िया है। दो सीजन तो अच्छा है, थर्ड सीजन जब आ रहा था तब मुझे होश नहीं था इसलिए मैंने इसको नहीं देखा, वरना मैं देखता इससे। एंड अब मेरे को याद भी नहीं है इतना स्टोरी, तो अब मेरा इतना मन नहीं करता, बट या दो सीज़न तो अच्छे थे, उनके लिए आई कैन से कि यू कैन वॉच दिस एनिमे। दो सीज़न देख लेना, अगर अच्छी नहीं लगी तो यू कैन ड्रॉप इट, तुम्हारी मर्जी। ब्लू लॉक, ओके, फुटबॉल फैंस और आई शुड से सॉकर फैंस, ए ट्रिगर हुए ना, एनीवेज ब्लू लॉक वॉज वेरी एजी एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था इसके लिए। मैं इसीलिए देखा था क्योंकि ब्लू लॉक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था जब मैं लाइक जब ये एयर हो रहा था तब बहुत ट्रेंडिंग था, एंड मैंने इसको दो दिन में ख़त्म किया था। देखो पेसिंग ब्लू लॉक की बहुत अच्छी है एंड ब्लू लॉक तुम ख़त्म बहुत जल्दी करोगे, लेकिन ना रियलिस्टिक फील नहीं होता ब्लू लॉक, एंड ब्लू लॉक को देखने के बाद ना ऐसा फील नहीं होता कि अरे फुटबॉल तो बहुत इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है, बहुत मज़ेदार स्पोर्ट है, ऐसा फील नहीं होता। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था ना कि जब एक स्पोर्ट्स एनिमे तुम्हें उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिला देती है तब एक्चुअल में वो स्पोर्ट्स एनिमे अच्छी कहलाई जाती है, वो चीज़ ब्लू लॉक में नहीं लगा मेरे को फर्स्ट सीजन को देख के एटलीस्ट। एंड ऑल्दो मेरे को फुटबॉल में इंटरेस्ट था, ठीक है पहले से ही मेरे को इंटरेस्ट है फुटबॉल में, बट फिर भी अगर मैं एक ऐसा बंदा भी होता ना जिसको इंटरेस्ट नहीं है तो भी मेरे को इसको देख के तो इंटरेस्ट नहीं आता, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। ब्लू लॉक बैड नहीं है, अच्छा है मैं बोलूँगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है एंड इट्स एजी। आई प्रिफर अ रियलिस्टिक स्पोर्ट्स फिक्शन ओवर दिस। 24 एपिसोड्स है, यू कैन वॉच इट इन अ वन गो। एंड मांगा मेरे दोस्त ने बोला था अच्छा है, अब तुम्हारी मर्जी, आई डोंट नो अबाउट मांगा बट अगर तुम्हें एनिमे अच्छा लगता है तो या श्योर गो फॉर इट। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक, एक कॉन्ट्रोवर्शियल एनिमे, यार दिस एनिमे मोस्ट बोरिंग, सच बताऊँ तो नहीं था अच्छा ये एनिमे। मैंने इसका मांगा भी देखा है एंड मुझे बस ना फाइट्स के कंक्लूजन से मतलब होता है, मैं सच बताऊँ तो मैं बस कौन सा गॉड किससे लड़ रहा है मेरे को बस ये पता रहता है, और उनका विनर कौन होगा मेरे को बस ये जानने में इंटरेस्ट रहता है, बाकी वो बीच में क्या कर रहे हैं यार इतना बकवास करते हैं ना सारे कैरेक्टर्स इसमें, इतना बकवास करते हैं बीच में। नहीं नहीं अभी भाई एक चीज़ बताओ, सरप्राइजिंग अटैक्स आई गेट इट, ठीक है सरप्राइजिंग अटैक्स तुम यूज़ करते हो स्टोरी में, मजे आ जाते हैं अचानक से, ठीक है भाई तुम 10 बार सरप्राइजिंग अटैक्स थोड़ी ना दिखाओगे, 10 बार एक बंदा सरप्राइजिंग अटैक कर रहा है, उसके काउंटर में एक और सरप्राइजिंग, उसके काउंटर में एक और सरप्राइजिंग, उसके काउंटर में एक और सरप्राइजिंग, भाई शट द फक अप, नहीं आई डोंट वांट टू रीड दिस मच सरप्राइजिंग अटैक्स। 70 कुछ चैप्टर्स हैं, आर्ट स्टिल काफी अच्छा है एंड मैनी माइट गेट ऑफेंडेड बाय इट, तो
अपने रिस्क पे तुम देख सकते हो, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो गो फॉर इट यार, मैं रोकने वाला नहीं हूँ, बट मुझे तो नहीं पसंद यार, बोरिंग था ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग। हेल्स पैराडाइज, विलेट सागा, प्लैनिटी, काइजू नंबर 8, बोरूटो, स्लैम डंक, प्लूटो, 20th सेंचुरी बॉयज, उज़ुमाकी, ओयसमी पुनपुन, ओशिनोको, ये जितने भी मांगास मैंने अभी बताया इन सब के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तो अगर तुम्हें मेरे इन मांगास पे व्यूज़ जानना है तो तुम उस वीडियो को देख लेना, उस पर मैंने बता रखा है ऑलरेडी। लेकिन फिर भी अगर मुझे बताना हो कि कौन सा मांगा तुम्हें ज़रूर से रेट करना चाहिए, देन आई वुड से पहला तो ऑब्वियसली इट्स गोना बी विनलैंड सागा बाई बेस्ट, बहुत प्यारा, मेरा आई थिंक थर्ड फेवरेट मांगा है विनलैंड सागा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। दूसरा स्लैम डंक, मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स फिक्शन, क्या बढ़िया था यार स्लैम डंक, बहुत मस्त है, उसको भी देख लेना। 20th सेंचुरी बॉयज भी बहुत बढ़िया है, एंड सेम गोज़ फॉर ओयसमी पुनपुन भी, ओयसमी पुनपुन भी मेरे टॉप 10 में आता है, 20th सेंचुरी बॉयज़ नहीं आता है बट ओयसमी पुनपुन आता है। एंड प्लैनिटीज, इसको ज़रूर देख लेना भाई, बहुत छोटा सा मांगा है बट बहुत बढ़िया है, या इसे भी देख लेना। टोक्यो घूल, 4 सीजन से मैंने एनिमे में ही देखा है क्योंकि उस टाइम मैं मांगा रीड करता नहीं था, पहला सीज़न काफ़ी अच्छा था, बाकी 3 सीज़न मेरे को समझ ही नहीं आया था क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, बट देख लिया था मैंने। आज के टाइम पे तो मैं टोक्यो घुल को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर पाता, मांगा मैंने सुना है कि बेटर है, तो अगर तुम्हें टोक्यो घुल में इंटरेस्ट आता है फर्स्ट सीज़न देख लो, मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगा फर्स्ट सीज़न, उसके बाद आई वुड से मांगा स्विच कर लेना क्योंकि मैंने सुना है कि मांगा इज़ वे बेटर देन एनिमे, एनिमे तो अच्छा नहीं है स्पेशली लास्ट 3 सीजन। रीडो ऑफ हीलर, यस मैंने इसे भी रखा है इस लिस्ट पे क्योंकि मैंने इसे भी देखा था, 12 एपिसोड्स, डिस्गस्टिंग इसे का ही है लेकिन अब इट सैटिस्फाइंग टू, क्योंकि जो इसके फीमेल कैरेक्टर्स हैं इस एनिमे में वो इतने ट्रैश हैं, जो मेल प्रोटैगनिस्ट है वो भी बहुत बेकार है, बहुत लेंडी आदमी है वो, लेकिन फीमेल और है, तो इसलिए जब वो टॉर्चर करता है, उंगलियां तोड़ना एंड ऑल दैट शिट, तो थोड़ा सा सैटिस्फाइंग लगता है, बट एक पॉइंट के बाद जाके वो बहुत डिस्गस्टिंग भी फील होने लगता है। आई एक्चुअली डिडंट लाइक दिस एनिमे दैट मच, बट ठीक है, तुम अगर तुम्हें कुछ अजीब देखना है तो या यू कैन गो फॉर इट। आओ हरू राइड, एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोम कॉम, आई डोंट नो, रोम कॉम नहीं बोल सकते, रोमांस स्लाइस ऑफ लाइफ में आ जाता है, शोजो एनिमे है ये, 12 एपिसोड से एक सीजन है, मांगा मैंने इसका पूरा रीड किया है, मेरे को मांगा बिल्कुल याद नहीं है, ऑल्दो एनिमे मेरे को याद है, पता नहीं कैसे भाई मेरे को मांगा याद नहीं है, बट आई थिंक मैंने इसका मांगा स्किप करके रीड किया था क्योंकि मांगा बहुत बोरिंग था, लेकिन ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, 40 कुछ ही चैप्टर्स है, फिर भी बोरिंग लग रहा था तो मैंने स्किप किया था, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। एनिमे इट वॉज डिसेंट, नॉट दैट ग्रेट, नॉट दैट बैड, ठीक था। मेन कैरेक्टर्स मेरे को इतने खास लगे नहीं थे, दोनों के दोनों, मेल फीमेल दोनों ही काम चला हुआ है, नॉट दैट स्पेशल बट Not that bad either. ये anime बहुत अच्छा था, इसकी story मुझे बहुत पसंद आई थी, open ending है last में और वो open ending मुझे अच्छा लगा था। 11 episode या 12 episode है, I'm not sure exactly, but जितना है बहुत अच्छा है, thriller है, मेरा favorite genre है thriller, and जिस वे में वो थ्रिल को दिखाया गया वो बहुत अच्छा लगा मुझे, कुछ ट्विस्ट्स है स्टोरी में जो कि बहुत बढ़िया है। अगेन अगर तुमने नहीं देखा है 91 डेज तो देख लेना, क्योंकि आई थिंक बहुत लोगों को इस एनिमे के बारे में नहीं पता, अगर तुम्हें नहीं पता था तो देख लेना, पता था तो कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा था, मुझे तो बढ़िया लगा था। द प्रॉमिस नेवरलैंड, एक सीजन देखा मैंने इसका, सेकंड सीजन चालू किया था बट मैं भूल गया था उसके बाद कंटिन्यू करना, एंड मैंने सुना है कि सेकंड सीजन अच्छा नहीं है, फर्स्ट सीजन बहुत बढ़िया था। मांगा मैंने रीड नहीं किया क्योंकि मुझे कभी इतना इंटरेस्ट नहीं आया, 180 कुछ चैप्टर्स है बट मुझे इतना पता है, एंड कंप्लीटेड इसका मांगा, एंड जहाँ तक मैंने सुना है कि इसका मांगा अच्छा है। एनिमे फर्स्ट सीजन तो बहुत बढ़िया था, जो डार्क थीम एंड जो अच्छा था, बढ़िया था, कैरेक्टर्स का जो ट्विस्ट था, एक दो ट्विस्ट थे, एंड जिस वे में लाइक पूरा वर्ल्ड को दिखाया गया था, जिस वे में उस क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो मैन, जो भी बोलते हैं उसको जिसमें ट्रैप करके रखते हैं वो, उसको दिखाया गया था, वो बहुत बढ़िया था। एनिमे देख लेना फर्स्ट सीजन अगर अच्छा लगा तुम्हें, जो कि मुझे लगता है कि लगेगा तुम्हें, तो उसके बाद मांगा भी रीड कर सकते हो, सेकेंड सीजन मत देखना। फूड वॉर्स, ओके एक एची एनिमे है ये, लेकिन बहुत अजीब एची है इसमें, पता है इसमें कुछ ठरक वाला एची नहीं है, इसमें जो रिएक्शंस होता है ना खाना खाने के बाद वो एची है, वियर्ड है भाई ये एनिमे बहुत वियर्ड था, मेरे को मज़ा आया था, एंडिंग रश्ड थी, एंडिंग फुद्दू थी, बट बीच का भाई
मज़ेदार था, ऑल दो बोरिंग भी हो जाता है बहुत पॉइंट्स पर। एंड मैंने पता है ये चीज़ को सोचा था इसको देखते टाइम कि मेरे को कुछ डिशेज विशेज के बारे में पता चल जाएगा, मैं कुछ ट्राई कर लूँगा क्योंकि मेरे को कुकिंग पसंद है, ठीक है, ऑल दो मैं करता नहीं हूँ बट आई हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग। बट इसके थ्रू मैं कुछ कुकिंग वुकिंग नहीं सीखा भाई, कौन सा साके सूके यूज़ करते हैं ये खाने बनाने में, मैं कहाँ से लाऊँगा भाई साके। बट फिर भी इट वॉज फन, नॉट दैट बैड। 5 सीजन आई थिंक इसके, कुछ 75 एपिसोड के आसपास है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, मेरे को नहीं याद है। बट या कंप्लीटेड है, मांगा में भी कंप्लीट हो चुका है ये, ऑब्वियसली मांगा पूरी तरीके से अडेप्टेड है एनिमे में, रश्ड है लेकिन, तो यू कैन गिव इट अ ट्राई, अच्छा लगा तो देख लेना, नहीं लगा तो यू कैन ड्रॉप इट। ब्लीच, ओके ब्लीच, यहाँ पे मैं बहुत लोग को ब्लीच पसंद होगा, आई एम प्रीटी श्योर, मुझे भी अच्छा लगता है, ब्लीच फन है, यस ब्लीच फन है, लेकिन प्लॉट वाइज ब्लीच में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक सारे बिग थ्रीज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अगर मैं किसी को बोलूँगा तो वो ब्लीच ही है, क्योंकि ब्लीच में पोटेंशियल था, मतलब ब्लीच अच्छी तरीके से एंड हो सकता था बट वो नहीं हो पाया। मैंने सुना है कि अभी जो 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क जो एनिमेट हो रहा है उसमें इसके स्टोरी को सुधारेंगे, जो मांगा में फकअप हुआ उसको थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए क्योंकि मांगा में लास्ट आर्क अच्छा नहीं था, एक्शन बढ़िया था बट बाकी नहीं था। ऑल दो ये भी बात है कि ब्लीच एक्शन ड्रिवन एनिमे में इसलिए इतना कंप्लेन करना बनता नहीं है, बट स्टिल यार आई एक्सपेक्टेड कि एक्शन से ज़्यादा भी कुछ होगा ब्लीच में, बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना मिला नहीं। फिर भी आई वुड से कि फन था ब्लीच, बुरा नहीं था, कुछ पॉइंट से बोरिंग हो गया था लेकिन ओवरऑल इट वॉज वर्थ इट फॉर मी। 300 एग्जैक्टली कितने एपिसोड्स हैं मेरे को याद नहीं, 340 के अराउंड कुछ एपिसोड्स हैं। मांगा पूरा कंप्लीटेड है, मांगा में 600 कुछ चैप्टर्स हैं। हेल आर्क मैंने अभी तक रीड नहीं किया, बाकी मैंने पूरा रीड कर रखा है। इट वॉज फन बट प्रॉब्लमैटिक टू, लेकिन आई रिकमेंड इट, नहीं देखा है तो धीरे धीरे करके देखो लेकिन देख लेना, अच्छा है। फेरी टेल, ओके फेरी टेल आई थिंक इज द ओनली एनिमे जिसको देख के मेरे को ऐसा फील हुआ था कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। सी फेरी टेल इज नॉट बैड बट इट्स नॉट दैट ग्रेट ईदर। द मेन प्रॉब्लम विथ फेरी टेल इज कि फेरी टेल थ्रू आउट द स्टोरी, थ्रू आउट मतलब पहले एपिसोड से फाइनल एपिसोड तक एक पर्टिकुलर क्वालिटी ही मेंटेन करके रखता है एंड दैट पर्टिकुलर क्वालिटी इज नॉट दैट ग्रेट। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि अगर ये 10-12 या चलो 100 एपिसोड्स का भी एनिमे होता तो ठीक है भाई, देख लिया, इतना खास नहीं लगा, हो गया। फेरी टेल 350 एपिसोड्स का एनिमे है, 320 कुछ एपिसोड्स आई थिंक, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट मैंने भाई 350 एपिसोड्स एक मीडियोकर स्टोरी देखना, इट फील्स टाइम वेस्ट। अगर ये 100 एपिसोड का होता ना मैं बोल देता ठीक है भाई तुम ट्राई कर सकते हो ऐसा वैसा, लेकिन ये इम्प्रूव ही नहीं होता है, ये डिग्रेड नहीं होता है बट इम्प्रूव भी नहीं होता है, दैट्स द मेन प्रॉब्लम विथ फेरी टेल। एंड जो नहीं, फ्रेंडशिप का जो पावर ऑफ फ्रेंडशिप वाली जो चीज़ है ना, नहीं मेरे को अगर पावर ऑफ फ्रेंडशिप देखना होगा ना मैं गिनतामा देख लूँगा। गिनतामा इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल कि कैसे कैरेक्टर्स को यूज़ करके भी एक बहुत अच्छा प्लॉट बनाया जा सकता है, सिर्फ कैरेक्टर्स पे ध्यान दे के भी बहुत बढ़िया तरीके से स्टोरी बनाया जा सकता है। फेरी टेल उसी चीज़ में फेल कर जाती है, लास्ट में एंडिंग तो भाई आए हाय, 3 एपिसोड में 2 विलन्स पेल दिया भाई इन्होंने। फेरी टेल शुड यू वॉच इट, आई वुड से देख लो यार, मतलब मेरे को नहीं पता सच्ची बताओ, मैं नहीं बोलूँगा तो बहुत सारे फेरी टेल फैंस ट्रिगर हो जाएंगे, लेकिन मुझे वर्थ इट बिल्कुल नहीं लगा था फेरी टेल। मुझे कोई बोल देता ना, अगर मुझे पता होता ना कि फेरी टेल स्टार्टिंग जैसा ही रहेगा लास्ट तक, तो मैं नहीं देखता उसे। मैं इन होप्स कि फेरी टेल इम्प्रूव होगा मैं देखता रहा, बट वो कभी हुआ नहीं, डिग्रेड नहीं हुआ, लास्ट में हो गया था एक्चुअली बट इतना नहीं हुआ, बट इम्प्रूव भी नहीं हुआ, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। बाकी तो तुम्हारी मर्जी है, देखना है तो देख लो, गो फॉर इट यार, मतलब मेरे को नहीं पता, शोनन है, टिपिकल शोनन है, ठीक है, डोंट हैव हाई एक्सपेक्टेशंस, दैट्स ऑल आई वुड से। मॉब साइको 100 एक बहुत अच्छा एनिमे, 3 सीजन आ चुके आई थिंक, मैंने 2 सीजन देखा था उसके बाद मांगा रीड कर लिया था, बहुत बढ़िया था। वन पंच मैन वाले ऑथर ने ही इसको भी लिखा है एंड मुझे ये वन पंच मैन से ज़्यादा अच्छा लगा था, एनिमे की बात कर रहा हूँ मैं, वन पंच मैन जितना एनिमे देखा था उससे ज़्यादा मुझे मॉब साइको बढ़िया लगा था, क्योंकि मॉब साइको का मेरे को
एक्चुअली वन पंच मैन और मॉब साइको में एक चीज़ है कि काफ़ी यूनिक वे में मेन कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, उनका पावर काफ़ी यूनिक है एंड दोनों ही ब्रोकन है, लेकिन मेरे को फॉर सम रीज़न मॉब साइको थोड़ा ज़्यादा लगा। मे बी इसलिए क्योंकि मॉब साइको में इमोशनल उसका लाइक एक कैरेक्टर राइटिंग दिया गया है, इमोशनली उसको एक अच्छा टच दिया गया है, इसलिए कितने एपिसोड्स मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, 12 एपिसोड के सीजन्स थे आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, चैप्टर्स 80 कुछ थे, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। अच्छा है, नहीं देखा है तो देख लेना, बढ़िया है ये, यू विल नॉट रिग्रेट वॉचिंग इट। दिस मांगा इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम, यस यू गेस इट राइट, इट्स बर्ज़र्क। मैंने एक पूरा रिव्यू बना के रखा है, बर्ज़र्क पे जाओ भाई, अगर तुमने नहीं रीड किया ना बर्ज़र्क तुम क्या कर रहे हो, करो रीड, इट्स डार्क। बर्ज़र्क रीड करने के बाद तुम्हारे लिए बाकी जो एक्चुअल में बहुत लोग हवा बनाते हैं जैसे मेड इन अबिस, भाई बहुत डार्क है, बहुत डार्क है, बर्ज़र्क रीड करो, तुम्हें पता चलेगा डार्क किसको बोलते हैं। इट्स वेरी फन, बहुत अच्छे तरीके से वर्ल्ड को दिखाया गया बर्ज़र्क में, मैंने एक पूरा रिव्यू बना रखा है, तुम इसको देख लेना डिटेल में जानने के लिए। 370 कुछ चैप्टर्स है अभी आई थिंक आ गया है। इनकंसिस्टेंट है बर्ज़र्क का मांगा क्योंकि इसके ऑथर 2 पहले ही पास्ड अवे एंड उसके बाद उनका कोई फ्रेंड बना रहा है आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ इसलिए इनकंसिस्टेंट है, दैट्स दी ओनली प्रॉब्लम ऑफ बर्ज़र्क। बाकी जो भी अभी तक दिखाया ना वो भी बहुत बढ़िया है, इट्स लिटरली पीक। जो वर्ल्ड बिल्डिंग है, जो कैरेक्टर राइटिंग है, गट्स इज सच अ ग्रेट कैरेक्टर, देख लेना, सॉरी रीड कर लेना, एनिमे मत देखना इसका, मैंने सुना है एनिमे अच्छा नहीं है एंड ज़रूरत नहीं है एनिमे देखने का, तुम मांगा रीड करो ठीक है, एनिमे नहीं मांगा, मांगा इज ऑलरेडी अ पीक थिंग। आनोहाना ओके, अनदर ग्रेट एनिमे, 11 थे आई थिंक इसमें या 10 थे, आई एम नॉट श्योर, इमोशनल है, अच्छा है, बहुत मुझे बढ़िया लगा था, स्पॉइल्ड था मैं ठीक है, मैं 2 पहले ही स्पॉइल हो गया था, बट फिर भी मुझे अच्छा लगा था, एंडिंग बढ़िया थी, एक क्विक फन एनिमे है ये, एक सेटिंग में तुम देख सकते हो इजीली, नहीं देखा है देख लेना, बढ़िया है, हो सकता है तुम अगर बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो तो तुम रो भी दो शायद, पता नहीं, मैं तो नहीं रोया था बट मुझे वो इमोशंस फील हुए थे, इट वॉज अ गुड एनिमे। डेथ नोट द मोस्ट फेमस एनिमे आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट भाई डेथ नोट इज डेफिनेटली द मोस्ट रिकमेंडेड एनिमे। न्यूबीज को इतना ज़्यादा लोग बोलते भाई डेथ नोट देख, एनिमे को पसंद करने लगेगा, एंड क्या डेथ नोट में वो चीज़ है, आई थिंक यस या डेथ नोट में वो चीज़ है, डेथ नोट इज डेफिनेटली अ ग्रेट एनिमे, बहुत अच्छा एनिमे है, बीच में थोड़ा सा वीक हो जाता है डेथ नोट, बट कंक्लूजन जो था, जो क्लाइमैक्स था, रियूक, लाइट, एल, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं बहुत अच्छे, मुझे काफ़ी मज़ा आया था डेथ नोट देखने के बाद। एपिसोड्स कितने एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, 30 कुछ एपिसोड्स है, 30 या 30-40 के बीच में है या 50 के तो अंदर ही है, तो तुम 2-3 में देख सकते हो, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, मज़ा आएगा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है आई थिंक, या यू कैन से दैट साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, या बढ़िया है। द नेक्स्ट एनिमे इज अनदर ट्रैश एनिमे, अनदर ट्रैश एडेप्टेशन ऑफ अ ग्रेट मानवा, टावर ऑफ गॉड। अगर तुमने मानवा रीड नहीं किया, तुम्हें रीड नहीं करना है तो तुम ये एनिमे देख सकते हो, अगर तुम्हें मानवा रीड करना है तो मत देखना, क्योंकि भाई 80 चैप्टर्स को इन दल्लों ने 12 एपिसोड में एनिमेट कर दिया है, 12 एपिसोड में, यस डिजास्टर भाई, अच्छा नहीं था। और अगर तुमको सिर्फ एनिमे देखना है तो इट्स नॉट अ बैड एनिमे, तुमको ट्विस्ट अच्छा लगेगा, तुमको वर्ल्ड बिल्डिंग शायद अच्छा लगेगा, वैसे इतना ज़्यादा डिटेलिंग तो दिखाया नहीं है फर्स्ट सीजन में, लेकिन मानवा रीड करना है तो मत करना, नहीं देन इट्स नॉट अ गुड चॉइस, सीधा मानवा ही रीड कर लेना, वो बेटर है बहुत इससे। गुड बाय एरी, आई थिंक दिस इज द ओनली वन शॉट आई हैव एवर रेड एंड आई थिंक इसको लिखा है चेनसो मैन के ऑथर ने, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सो, क्योंकि मेरे दोस्त ने भेजा था कि इसको देख ले अच्छा है एंड इट वॉज फन, मुझे अच्छा लगा था। 200 कुछ पेजेस हैं, वन शॉट है, मैं वन शॉट रीड करता नहीं हूँ एंड मैं इंक्लूड नहीं करता, लेकिन ये इतना अच्छा वन शॉट है कि आई हैड टू इंक्लूड इट, बढ़िया है, एक मतलब तुम एक सिटिंग में ख़त्म कर दोगे यार, 5-10 में हो जाएगा ये पूरा एंड 5-10 में तुमको एक क्विक एंटरटेनमेंट चाहिए तो गो फॉर दिस मांगा, इट्स फन। ओरेगायरू, मैंने पूरा ओरेगायरू नहीं देखा है, ओरेगायरू बाय द वे एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोम कॉम शो जो टाइप का एनिमे है, जो कि एक लाइट नॉवल का अडैप्टेशन है, मैंने आई थिंक 3 देखा था ओरेगायरू का, 3 देखा था, मैंने पूरा नहीं देखा है, लास्ट के 4-5 एपिसोड नहीं देखा है, क्योंकि मैंने वो स्टोरी ऑलरेडी लाइट नॉवल में रीड कर लिया था। ओवरऑल इट वॉज फन, नॉट बैड, अच्छा ही था,
मैंने इसको इसलिए देखा था क्योंकि इसका भी मेन कैरेक्टर बहुत होशियार है, मैंने सुना था जस्ट लाइक आयनो कोजी, एंड आई थॉट कि हाँ चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड इट वॉज फन, नॉट बैड. अगर एक दो सीजन देख लो अच्छा लगा तो गो फॉर इट. एपिसोड्स टोटल मेरे को याद नहीं कितने हैं, बट हाँ स्टोरी कंप्लीटेड है इसलिए तुम्हें लाइट नोवेल देखने की जरूरत नहीं है, रीड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो एंड वॉच एनिमे. ऑरेंज, आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द फाइव फर्स्ट एनिमेस दैट आई वॉच्ड एंड मुझे उस टाइम पे अच्छा लगा था. ऑल्दो अभी मैं सोचने जाता हूँ तो ऑरेंज हैड प्रॉब्लम्स, ऑरेंज की स्टोरी थोड़ी लास्ट में हगा गई थी, पोटेंशियल था बट उतना डिलीवर कर नहीं पाया. 10-12 एपिसोड्स है मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, जितना देखा था इट वॉज नॉट बैड बट हाँ और अच्छा हो सकता था ये वाली है. लेकिन हाँ ऑरेंज की स्टोरी मेरे को अभी भी याद इसलिए है क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फर्स्ट एनिमेस था एंड उस टाइम पे ये मेरे लिए वन ऑफ द स्पेशल एनिमेस था. यू कैन गिव इट अ ट्राई, देख लो अच्छा लगा तो बढ़िया बात है. लेटर लुटर टाइम ट्रैवल वो सब भी है इन अ वे, तो या यू कैन गिव इट अ ट्राई. अनदर माय फर्स्ट हॉरर एनिमे, एंड मुझे हॉरर जॉनरा इतना पसंद नहीं क्योंकि मेरी फट जाती है, बट फिर भी मैंने इसको ट्राई किया था क्योंकि एनिमे में कौन ही डरता है यार, एंड इसमें भी कुछ डरावना था नहीं लेकिन स्टोरी इसकी अच्छी लगी थी मुझे. 12 एपिसोड्स हैं, स्टोरी कंप्लीटेड है इसलिए तुम क्विक फन के लिए इसको ख़त्म कर सकते हो. मज़ेदार था, लास्ट का जो ट्विस्ट था इट वॉज गुड, ओवरऑल इट वॉज फन. जो डार्क थीम था स्टोरी का, जो पूरा डार्क लाइक सैड म्यूजिक एंड जो हॉरर थीम था वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था. Yeah, it was good. Misfit of Demon King Academy, इसका भी मेन कैरेक्टर बहुत ब्रोकन है एंड वो क्या फ्लेक्स करता है भाई अपने पावर्स का. आनोस वोल्डिगोट मेरे को बहुत बैडस लगता है, इसका मेन कैरेक्टर भाई वो बंदा कितना बैडस था. तुझे लगता है कि मैं मर के मर जाऊँगा भाई ऐसी बातें करता था भाई बंदा लमाओ. 11-12 एपिसोड्स है कुछ या 13 एपिसोड्स है, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर द नंबर, बट इट वॉज फन, बढ़िया था, अच्छा ही लगा था मेरे को. देख लेना अगर नहीं देखा होगा तो. बैडस मेन कैरेक्टर और कूल और बैडस एक्शन सीन्स तुम्हें पसंद है तो यू विल लाइक दिस. ओके द नेक्स्ट एनिमे, इट्स ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट एनिमेस, मॉन्स्टर. यार क्या बढ़िया एनिमे था ये, बहुत स्लो बट बहुत अच्छा. इसका विलन कितना अच्छा विलन था, टिल डेट मेरा फेवरेट विलन रहा है आफ्टर गिंतामा का विलन. गिंतामा के हीरो सब बढ़िया है यार, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा है. इसका मेन कैरेक्टर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, साइड कैरेक्टर्स भी काफ़ी अच्छे, एंटैगनिस्ट तो बेस्ट है इसका भाई, क्या बंदा है. एंड मॉन्स्टर जो मैसेज देता है ना कि यू डोंट नीड टू हैव सम स्पेशल सुपर पावर्स टू बी अ मॉन्स्टर, बहुत अच्छा है. 75 एपिसोड्स है, दिन में एक एपिसोड ही देखे जाते हैं तो उतना ही देखो, बट देखो इसको अगर तुमने नहीं देखा होगा तो, या मांगा रेड कर लो. आई एम प्रीटी श्योर इसका मांगा भी अच्छा होगा, एनिमे तो अच्छा था मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था, मांगा मेरे को नहीं पता बट अच्छा ही होगा आई एम गेसिंग इट. द नेक्स्ट मांगा, होम मैन दिस मांगा भाई, आई हैव टू टॉक अबाउट इट. रेंट अ गर्लफ्रेंड, दिस मांगा इज द वर्स्ट मांगा आई हैव एवर रेड. इससे बेकार मांगा मैंने आज तक नहीं रीड किया है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता किसी को भी. इतना घटिया मांगा है ये, इतना घटिया. इसका पता है स्टार्टिंग में ये मांगा कोई दिक्कत नहीं है, इवन जो पहले के 150 एपिसोड्स हैं ना, 150 चैप्टर्स है सॉरी, वो भी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन उसके बाद भाई इसका मांगा का इतना ज़्यादा कैपिटलाइज कर रहा है ना, इसको इतना ज़्यादा लंबा खींच रहा है ना ज़बरदस्ती का इसके स्टोरी को. ये कब का 150-200 चैप्टर्स पे ख़त्म हो जाना था, लेकिन नहीं अभी तक ये चल ही रहा है. 300 कुछ चैप्टर्स हो गए आई थिंक एंड ये अभी तक चल ही रहा है, बस फालतू में चल रहा है. इसका मेन कैरेक्टर बहुत ट्रैश, इसकी फीमेल कैरेक्टर उससे भी ज़्यादा ट्रैश. मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, इट माइट बी अ स्पॉइलर बट आई एम टेलिंग यू मत देखना इसे. अब बताता हूँ क्यों. इसका जो मेन कैरेक्टर है वो एक लड़की से प्यार करता है, मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट से, एंड वो उसके लिए ना फिल्म विलम भी बना देता है, इतना ज़्यादा प्यार में अंधा रहता है वो, बहुत पैसे उड़ाता है, बहुत दुनिया भर का काम करता है, एंड लड़की को भी उस लड़के से प्यार हो जाता है. ठीक है, फिर लड़का प्रपोज कर देता है लड़की को, एंड गेस वॉट, लड़की क्या करेगी ऐसे सिचुएशन में. अब वो तो प्यार करती थी तो वो हाँ बोलेगी राइट, लेकिन अगर वो नहीं करती थी, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा था मांगा का, लेट्स टेक दैट एज एन अजम्पशन टू, कि उसको नहीं पसंद था लड़का तो वो नहीं बोल देती. ये दल्ली 3 महीने लड़के से बात नहीं की, 3 महीने, एंड 3 महीने बाद द ऑडेसिटी ऑफ दिस गर्ल, ये जाती है और बोलती है कि मेरे को टाइम चाहिए. यस,
दैट्स हाउ मच ट्रैश दिस मांगा इज. लेजिट मामी बेटर है चिज़ुरू से. चिज़ुरू इज द ट्रैशियस्ट एफएमसी आई हैव एवर सीन. बिल्कुल मत देखना रेंट अ गर्लफ्रेंड. एकदम बेकार घटिया ना. डोंट रीड इट एट ऑल. द नेक्स्ट एनिमे इज आवाशी. मुझे काफ़ी अच्छा लगा था. इवन बेटर देन ब्लू लॉक. फुटबॉल के ऊपर ये भी स्पोर्ट्स फिक्शन है ऑब्वियसली. फुटबॉल पे है तो 24 एपिसोड्स है. एंड इसका जो मुझे अच्छा चीज़ लगा था वो ये था कि रियलिस्टिक है. ये एक रियलिस्टिक अप्रोच लेता है एंड ये फुटबॉल के बारे में चीज़ें सिखाता है अनलाइक ब्लू लॉक. एंड स्टार्टिंग में थोड़ा तुमको बोरिंग लग सकता है. इसमें वो एजिनेस नहीं है. एजिनेस ऑडियंस को पकड़ के रखती है. वो चीज़ इसमें लैक करता है. लेकिन जो सिखाता है ये जो स्पोर्ट्स फिक्शन का काम होना चाहिए वो एकदम ये तरीके से निभाता है इवन इन जस्ट 24 एपिसोड्स. साथ ही में जो मेन कैरेक्टर है उसका जो डेवलपमेंट है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा विथ टाइम. वो भी बहुत बढ़िया होता है. मांगा मैंने नहीं रीड किया है. मैं शायद कभी रीड करूं. मे बी पता नहीं. मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया कि मैं मांगा रीड करूं. लेकिन एनिमे मैं आई थिंक एक ही दिन में ख़त्म किया था 24 एपिसोड्स विच इज़ अ बिग थिंग फॉर वेटरन्स. तो या यू शुड ट्राई इट. यू शुड गिव इट अ ट्राई. मज़ा आएगा तुम्हें. आई थिंक यू शुड कम्प्लीट इट एंड देन यू कैन इवन स्टार्ट द मांगा इफ़ यू वॉन्ट. द नेक्स्ट एनिमे इज बाकानो. ये एक बहुत प्यारा एनिमे. क्राइम जॉनरा क्राइम थ्रिलर. बहुत अच्छा है. इसमें मेन कैरेक्टर्स जो होते हैं बहुत सारे हैं. पता है इसमें कोई मेन कैरेक्टर्स स्पेसिफिक नहीं है. एक बंदे की स्टोरी नहीं है. ये तीन चार कैरेक्टर्स की स्टोरी है एंड वो सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है. तीन डिफरेंट टाइमलाइंस की स्टोरी को दिखाया गया है. ये सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके मतलब टाइमलाइन डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइंस में ऐसा दिखाया गया है विच इज़ वाई ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है स्टार्टिंग में. बट 6-7 एपिसोड्स बेयर कर लेना उसके बाद ये बहुत अच्छा हो जाता है. बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है. इसमें मेन कैरेक्टर्स अमर है बाय द वे. इज दे आर इमोर्टल. एंड एक चीज़ जो एकदम ध्यान में रखना वो ये कि एनिमे को देखने के बाद उसके ओवास भी देख लेना क्योंकि इसके ओवास फर्स्ट सीजन को कंप्लीट करते हैं. मांगा है कि नहीं मुझे इसका पता नहीं एंड लाइट नॉवल है कि नहीं मुझे वो भी नहीं पता. आई थिंक इसका लाइट नॉवल है. आई एम नॉट श्योर. एनिमे लेकिन है और उसको देख लो. फन है. पुराना एनिमेशन है लेकिन पुराना एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा है. कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल है. वो कपल बहुत बढ़िया लगा था मुझे. बाकी मेन कैरेक्टर्स भी ठीक थे. ओवरऑल बढ़िया है. अगर तुम्हें क्राइम थ्रिलर में इंटरेस्ट है तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है. स्केट इन्फिनिटी एक स्पोर्ट्स एनिमे. बट ये पता है स्पोर्ट्स नहीं बोलूँगा मैं इसको. ये ना स्पोर्ट्स से भटक जाता है थोड़ा. ये वो वाली चीज़ पे चले जाता है कि प्रोडिजी होना ज़रूरी है कि नहीं किसी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए. एंड ये अप्रोच भी बुरा नहीं लगा था मुझे. मुझे इंटरेस्टिंग लगा था ये 12 एपिसोड्स है. एनिमेशन बहुत अच्छा है. बहुत ज़्यादा अच्छा है. ओवरऑल मुझे ठीक लगा था ये. नॉट बैड. नॉट वेरी ग्रेट बट फन. इट वॉज़ फन फॉर मी एंड अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी. हीरो जीतता है हमेशा वो वाला चीज़ तो. एक मिनट में स्पॉइलर दे रहा हूँ क्या. फक नोज़ोकी आना. मैंने इसको क्यों रीड किया था यार. छी मेरे को याद नहीं है यार. मेरे को आई थिंक कोई दोस्त ने रिकमेंड किया था. आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर बट हाँ मुझे किसी दोस्त ने रिकमेंड किया था. एंड इसका स्टोरी अजीब है. बहुत बहुत ज़्यादा अजीब है. ऐसा कुछ है. मैं तुमको प्रीमाइस बता देता हूँ. मेरे को अजीब लग रहा है भाई बोलने में. दो कमरे हैं और दो कमरों के बीच में दीवार है ऑब्वियसली. एंड उस दीवार में एक छेद होता है और उस छेद में से एक लेफ्ट कमरे में राइट कमरे में जो भी एक कमरे में लड़का होता है और एक कमरे में एक लड़की होती है और वो एक दूसरे को झांकते रहते हैं थ्रू दैट छेद. एंड वो मतलब दुनिया भर की चीज़ें करते हैं. कभी मैस्टरबेट कर रहे होते हैं. कभी कुछ मोनिंग अराउज करने की कोशिश कर रहे होते हैं. अजीब है इसका स्टोरी. इसका सही में बहुत अजीब स्टोरी है यार. ये इट वॉज़ नॉट गुड. 150 कुछ चैप्टर्स थे आई थिंक. एंड नहीं आई वुड नॉट रिकमेंड यू. बोरिंग था ये. एंड पता है इसमें कोई बहुत ज़्यादा सेक्स सीन्स ऐसे भी नहीं है. ब्लैंड है मैं बोलूँगा. पता है इससे अच्छा कोई डोजिन देख लेना भाई. ये मत देखना. 100th एनिमे भाई. 100वें एनिमे पे फाइनली मैं आ गया. इतना गर्मी लग रहा है. ये वीडियो कितनी लंबी खिंच रही है. 100th एनिमे इज हियोका. इसको भी मैंने इसलिए देखा था क्योंकि आयनो कोजी जैसा मेन कैरेक्टर इसमें मैंने सुना था. भाई मुझे आयनो कोजी बहुत पसंद है इसलिए मैं चाहता था कि मैं और वैसे ही टाइप के मेन कैरेक्टर्स वाले एनिमेस देखूं. एंड हियोका वाज वन ऑफ देम. मुझे अच्छा लगा था हियोका. इतना ख़राब नहीं लगा था. एंडिंग थोड़ी सी मेरे को ऐसा फील हुआ था कि कुछ अलग वे में जाएगी बट अलग ही वे में चले गई. बट ठीक था. ओवरऑल फन था. कुछ 20-22 एपिसोड्स थे एंड ठीक था. यू कैन गिव इट अ ट्राई. एंड द फाइनल एनिमे 101 एनिमे. भाई टोनी का हुक्का भाई.
यार ये रैंडमाइजर ने भी इसको लास्ट में रखा है, लो आओ। इट वॉज ब्लैंड बोरिंग शोजो है, अगर तुमको बहुत ज़्यादा शोजो पसंद है तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। मुझे इतना खास नहीं लगा था, क्यूट क्यूट पूरा चीज़ बनाने की कोशिश किया गया, स्टोरी वोरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया जस्ट लाइक अदर शोजोस। एक्चुअली बहुत सारे शोजोस में स्टोरी पे ध्यान दिया जाता है, इसमें नहीं दिया है, एनिमे में तो एटलीस्ट नहीं दिया है भाई। 12 एपिसोड्स है, एक सीजन है, तुम्हारी मर्जी, देखना है तो देख लेना, मेरे को तो कुछ खास लगा नहीं था। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई फाइनली कंप्लीटेड दिस वीडियो भाई, अचीवमेंट। यार 3 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई है, कैन यू बिलीव इट। एडिटिंग के बाद पता नहीं कितना होगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको 1 घंटे के अंदर निपटा दूं, बट अगर 1 घंटे से ज़्यादा हो गया होगा तो भी आई होप कि तुमने पूरा 1 घंटे नहीं देखा होगा। भाई तुम गधे हो क्या, 1 घंटे का वीडियो देख रहे हो? आई रियली होप तुमने नहीं देखा होगा। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मैंने स्पॉयलर्स नहीं दिए किसी के, एक्सेप्ट वो कानोजो कारिशिमासु रेंटर गर्लफ्रेंड, उसको मत देखना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन आई एम हैप्पी, आई एम रियली ग्लैड कि तुम्हें वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड हाँ, इसके बाद ये 101 एनिमेज एंड मांगास के बाद मैं एनिमे एंड मांगा देखना छोड़ रहा हूँ, मेरा पूरा हो गया भाई ख़त्म। मेरे आज के टाइम पे एनिमे एंड मांगा से इंटरेस्ट हट चुका है। आई थिंक मैं सिर्फ अब 2 ही मांगास देखूंगा, उसको भी भाई मैं 10 साल लगा के देख लूँ, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं एकदम रुक के देखूंगा, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है। एंड वो दो मांगास है हाजिमे नो इप्पो एंड किंगडम, मेरे को बस वो दोनों रीड करने हैं। जोजो का पार्ट 8 मैं आराम से रीड करूंगा, बहुत टाइम है। जोजो 9 भाई 10 साल लेंगे जोजो 9 को खत्म होने में, मेरे पे 10 साल का टाइम है 8 खत्म करके 9 को कैचअप करने का, तो मैं उसको तो भाई एकदम स्लो लूंगा। एंड मुझे प्लीज़ कोई भी एनिमेज एंड मांगास रिकमेंड मत करना, क्योंकि आई नो मैंने बहुत सारे मेन स्ट्रीम एनिमेज एंड मांगास नहीं रीड किए हैं एंड देखे हैं, तो तुम कमेंट करोगे ही, मुझे पता है, मुझे रिकमेंड करते हुए, तो मैं तुम्हारे रिकमेंडेशंस नहीं लेने वाला क्योंकि आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम वॉचिंग एंड रीडिंग एनिमेज एंड मांगास एज आई सेड अर्लियर। एंड दैट्स इट। हाँ, तुम दूसरों के लिए रिकमेंडेशंस डाल सकते हो एंड तुम अपना ओपिनियन बता सकते हो कि तुम्हें कौन सा एनिमे पसंद है, कौन सा नहीं पसंद है, तुम अपने फेवरेट्स बता सकते हो। बाय द वे, फेवरेट्स, यस, मैं सोचा था कि मैं एक फेवरेट्स पे वीडियो बनाऊंगा, बट 5-10 सेकंड में हो जाएगा यार, ये है मेरे फेवरेट्स, बस यही है। मैं इसके लिए कहाँ 10-20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, दैट्स सच अ डम थिंग टू डू, ऑल्दो मैं 1 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। दैट्स इट, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।